हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सबसे साथी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और यहां पर चलते हैं। आज सबसे पहले हम जानते हैं साथियों कि आपके सामने जो विलोम शब्द जो है, यानी कि आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, उसको मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। तो यहां पर देखिएगा मित्रों, आपके सामने दिखाई दे रहा सबसे पहला विलोम संकल्प है, उसका विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ में यहां पर और बिल्कुल आगे देखिएगा, यहां पर देखो सृजन और संहार जो है, क्योंकि आपका भैया 20 मिनट का टाइम खराब कर दिया तब माफी मांग रहा हूं, ठीक है। उन्मुख का क्या हो जाता है सर? विमुख। और उन्मुख का एक और दूसरा भी बन जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। उन्मुख जो है उसका क्या बन जाता है सर? समुख। समुख का क्या आ जाता है? विमुख आ जाता है। तो कुल मिलाकर आपको यह भी ध्यान में रखना है, उन्मुख आ जाए या समुख आ जाए, उन दोनों का ही विलोम क्या होता है? विमुख होता है। अच्छी तरीके से आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है। अब यहां पर चलते हैं, अगला जो है आपके सामने बिल्कुल आ गया जी, आ गया। अब देखो साहसी जो है उसका क्या हो जाता है सर? भीरु। साहसी का मतलब होता है जिसमें साहस हो, और भीरु का मतलब क्या होता है सर? डरपोक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? भीरु कहा जाता है। हाँ बिल्कुल किरण भैया आगे हो ना, बिल्कुल जी आगे चलिएगा साथियों। विरक्त जो है उसका क्या होता है? अनुरक्त होता है। विरक्त का मतलब अनुरक्त होता है, रुक्त नहीं, अनुरक्त ध्यान में रखना। और शोषक, और शोषक का क्या होता है साथियों? पोषित होता है। शोषित का पोषित और शोषक का आपका पोषित होता है। इस तरीके से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो श्री गणेश करना मतलब उसका प्रारंभ करना, और इसी के साथ में इति श्री करने का मतलब क्या होता है सर? समाप्त करना। राग का क्या होता है सर? विराग होता है। अगर आपके सामने क्या हो, अनुराग भी आ जाए, अनुराग भी आ जाए, तो आप उसका क्या करोगे सर? विराग ही करोगे। चाहे राग हो, राग का ही विराग होता है। सत्यकार बिल्कुल, ड्रीम गर्ल जी बहुत स्वागत आपका, बिल्कुल डेली पुलिस और आरपीसी गौरी सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, एक बार जुड़ जाइएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कुछ आपके विलोम शब्द करेंगे, और साथ ही साथ में हम यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन जो है उनकी भी चर्चा मैं आपके साथ में यहाँ पर करने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, कायर कहा जाता है इसको। और शाप जो है, शाप का क्या होता है मित्रों? वरदान होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और यहां पर लिखा है साथियों यथार्थ। यथार्थ का क्या होता है सर? आदर्श होता है। यथार्थ का क्या होता है सर? आपका आदर्श होता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। यथार्थ, यथार्थ का क्या हो जाता है साथियों? आदर्श। यथार्थ के स्थान पर अगर आपके सामने क्या जुड़ा हो सर? कल्पित जुड़ा हो। कल्पित का भी क्या हो जाता है मित्रों? आदर्श हो जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। यह जो क्वेश्चन है वो आपका कहां पूछा गया था आपको ध्यान में रखना, फर्स्ट ग्रेड 2000 आपको ध्यान में रखना, 2020 का जो एग्जाम हुआ था अभी अभी लेटेस्ट पिछले महीने, उस समय यह जो प्रश्न है वो बिल्कुल पूछा गया था। बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल चिंटू और ड्रीम गर्ल्स और माधवी शर्मा, मनीष सब बच्चे भैया जुड़ जाइएगा एक बार पुनः। आपके साथ में मैं रूबरू हो चुका हूँ, यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। अब देखो यथार्थ का आदर्श, कल्पित का भी आदर्श, एक ही बात है आपको याद रखना है। पहली स्लाइड में विलोम शब्द हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब उसके साथ में अपने यहां पर ध्यान में रखना, तो अगला जो पेज है यहां पर देखिएगा, यहां पर संख्या भैया आपको एक से ही मिलेगी हर बार हर पेज पर, ध्यान में रखना। तो 10 वहां पर हो चुके हैं। अब देखो इन पर्यायवाची को आप लिख सकते हो, कल मैं ऐसे ही 150 पर्यायवाची आपके बीच में और लेकर आऊंगा, और उन्हीं पर्यायवाचियों को क्या करूंगा आपके साथ में प्रश्नों के साथ में उनका हल करने वाला हूं। देखो सर हास्य, हास्य का क्या होता है मतलब? रुदन होता है। हास्य का क्या होता है सर? रुदन। हास्य का मतलब होता है हंसना, रुदन का मतलब होता है रोना। समास का क्या हो जाएगा मित्रों? व्यास हो जाएगा, ध्यान में रखना। समास का संधि मत कर देना, समास का क्या हो जाता है? संधि मत करना भाई। समास का क्या करना है सर? व्यास करना है। अगर आपको संधि जो है उसका अगर आपको विग्रह करना हो तो मित्रों क्या करोगे सर? संधि का जो विग्रह आपका वो विच्छेद हो जाता है या विग्रह हो जाता है। ह्रास का पतन नहीं होता भैया, उत्थान का पतन होता है। ह्रास और पतन तो एक ही बात है। उत्थान का क्या होता है साथियों? पतन होता है। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, कुल मिलाकर आपको ध्यान में रख लेना है। आगे चलिएगा साथियों, यहां पर देखिएगा सहसीम, सीमा सहित, और असीम जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो सहसीम का क्या हो जाएगा? असीम हो जाएगा। सृष्टि, सृष्टि का मतलब रचना करना, और प्रलय का मतलब भैया सब विनाश हो जाना। सत्कार का क्या आ जाता है सर? दुत्कार आ जाता है, और सत्कार का भी तिरस्कार आ जाता है। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। कोई बात नहीं भैया, मूड ऑफ है तो मेरे पास में उसकी कोई दवाई नहीं है मूड सही करने की, आपको ध्यान में रखना। आप अपने आप को भाई जैसा भी महसूस करो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा।
स्मरण स्मरण का हो जाता है विस्मरण हो जाता है ना, स्मरण का जो है वो आपका विस्मरण हो जाता है। संकीर्ण का मतलब हो जाता है सर विस्तीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या हो जाता है सर विस्तीर्ण, संकीर्ण का मतलब छोटा, विस्तीर्ण का मतलब जो फैला हुआ हो उसे कहा जाता है। आगे संधि का विग्रह मैंने अभी आपको बताया, सरुजता जो बीमारी जिसको हो और निरुजता जिसको बीमारी नहीं हो। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, यह जो रूल है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आगे चलिएगा साथियों, अगले आपके सामने कुछ और यहां पर अपने विराम आपके ये जो है विलोम शब्द उनकी बात मैं आपके साथ में कर लेता हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पर हम कुछ 10 एक प्राय आपके विलोम शब्द और कर लेते हैं सर। खंडन, और खंडन का होता है सर मंडन, यहां से खंडन और मंडन। दुराशय, दुराशय मतलब बुराशय, सदाशय मतलब सच्चा आशय या अच्छा आशय। तरल, तरल का क्या होता है तरल, जो भाई जो आपका सीकर की पावन धरा से प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल बीकानेर की पावन धरा से प्रणाम महक। आगे चलते हैं ठीक है। धनाढ्य, धनाढ्य का क्या होता है सर आपका, धनाढ्य का होता है सर निर्धन। धनाढ्य तो अमीर और आपका जो यहाँ पर है वो निर्धन हो जाता है। तारुण्य, तारुण्य का मतलब भारदक्य आ जाता है। और यहां पर देखो तारुण्य जो शब्द है वो कैसे बना, ध्यान से सुनना। तरुण जो है आपका तरुण, तरुण में हमने यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द आपका बन गया तारुण्य ठीक है। इसी तरीके से आपका जो वृद्ध शब्द था ठीक है, तरुण का विलोम वृद्धि होता है ना, यह जोड़ा आपने तो आपका इसका बन जाता है सर वार्धक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वार्धक्य जो शब्द है वो आपका बन जाता है, ध्यान में रख लेना। सर ध्वल है, ध्वल का क्या हो जाता है सर कृष्ण, ध्वल का मतलब सफेद होता है, कृष्ण का मतलब क्या होता है साथियों, कृष्ण का मतलब आपका। सेशन को शेयर करो भैया। दुष्कर, दुष्कर का शुक्र, अभी अभी एग्जाम में ये आया हुआ लेटेस्ट। निंदा, निंदा का होता है सर स्तुति, और इसके साथ में दरिद्र गरीब होता है, विपन्न का और संपन्न इसका क्या हो जाता है सर, इसके अपोजिट यहां पर हो जाता है। निषिद्ध, निषिद्ध का हो जाता है भेद, अभी अभी ये वीडियो के एग्जाम में, वीडियो जो प्री हुआ था उसमें ये पूछा गया था, वीडियो परी के एग्जाम में यह पूछा गया था कि निषिद्ध का क्या होता है मित्रों, निषिद्ध का जो है वो आपका विहित हो जाता है। अच्छे तरीके से केवल मैं 100 शब्दों के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद में आपके प्रश्न जो है वो मैं लेकर आऊंगा, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों से। देखो एक बार यह पेज भैया दोबारा से आ चुका है, इसको मैं क्या कर देता हूं हटा देता हूं, इस पेज को हम पहले पढ़ चुके हैं, वही पेज नहीं पढ़ा नहीं है भैया आपको है ना ठीक है। आगे चलते हैं इस पेज की यहां पर बात करते हैं तो देखिएगा, अभिज्ञ का हो जाता है सर अनविज्ञ, कृपण का हो जाता है उदार, सद्वा का हो जाता है सर विधवा, सात्विक का हो जाता है सर तामसिक, सात्विक और तामसिक। आविर्भाव का मतलब होता है सर प्रकट करना, त्रिभाव का मतलब होता है सर दूर कर देना, बद्ध का मतलब जो बंधन में है, मुक्त का मतलब भैया जो आजाद है ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। कवि, कवि तो कवि होता है, उसका अपोजिट कवित्री हो जाता है। अज्ञा का अवज्ञा, अज्ञा करना किसी की और अवज्ञा करना। अवनि और अंबर, अवनि पृथ्वी, अंबर आसमान होता है। उन्मूलन और रोपण, उन्मूलन का मतलब रोपना और रोपण का मतलब सॉरी उखाड़ना, और इसका मतलब होता है रोपना। अगला पेज देखिएगा, अगले पेज पर अपने बात करते हैं कुल मिलाकर अगला जो आपका विलोम शब्द जो है साथियों, यहां पर देखिएगा और यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या सर ऐश्वर्य, और इस ऐश्वर्य को क्या कहा जाता है सर अनैश्वर्य कहा जाता है। सर घृणा, और घृणा को प्रेम, घृणा किसी से घृणा आपको नहीं करनी है, हमेशा ही आपको प्रेम ही करना है, ध्यान में रख लेना। यानी कि उसके बाद में अपना चलते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक का क्या होता है सर अनिवार्य, या फिर आप अनिवार्य न लिखो तो उसका आप क्या लिख सकते हो मित्रों, अनैच्छिक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मित्रों, अनैच्छिक जो है वो आप यहां पर लिख सकते हो। चपल, चपल का चतुर होता है गंभीर, जो गंभीर होता है ना, जो किसी में लीन होता है वो क्या होता है गंभीर आपका यहाँ पर हो जाता है। कृष्ण का क्या होता है आपका शुक्ल होता है। चिरंतन जो है उसका क्षणिक होता है, लेकिन चिरंतन के स्थान पर क्या आ जाए भाई आपका शाश्वत आ जाए, शाश्वत का भी आपको क्या कर देना है क्षणिक कर देना है, आपको ध्यान में रख लेना है। गुरु बड़ा, और लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब ठीक है आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है जंगम, जंगम का होता है स्थावर, और गृहस्थ का होता है संन्यास, संन्यास ऐसा नहीं लिखा जाता भाई, संन्यास आपका इस तरीके से लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और तम का मतलब होता है अंधेरा होता है, आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल संतोष आगोदारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आगे चलिएगा साथियों, यहां पर देखिएगा अगला जो उदाहरण है आपका, फिर से यहां पर देखना है मित्रों, और कुछ और जो आपके बीच में 10 और प्राय आपके विलोम शब्द है साथियों उनको देखिएगा। इन 10 विलोम शब्दों की अगर बात करें आपके सामने सर, रजू
यहां पर होता है साथियों रजू, और रजू का मतलब सीधा और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। कृष का होता है स्थूल, और ध्यान में रखना रित, रित का होता है अनरित, और इसके साथ में कुत्सा, कुत्सा का होता है सर निंदा करना, और प्रशंसा का मतलब किसी की प्रशंसा कर देना। कनिष्ठ का छोटा, वृष्ट का मतलब बड़ा, खगोल और भूगोल यानी धरती गोल और आसमान गोल, है ना, हम भी गोल तुम भी गोल सब भी गोल सब भी गोल, कोई बात नहीं। यहां पर देखिएगा, कोई बात नहीं भैया, अच्छी तरीके से पढ़ते जाना। आगे चलिएगा कुलटा, कुलटा का होता है साथियों पतिव्रता, प्रतिव्रता नहीं पतिव्रता होता है। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, कायर का होता है सुर, और दुर्जन का होता है क्या सज्जन। दुर्जन का क्या होता है भैया, सज्जन होता है, ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं और आपके लिए 10 आपके और आपके क्या आ जाते हैं साथियों, विलोम शब्द जो है आपके आ जाते हैं, ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं और देखिएगा सर अमर, अमर का होता है सर मर्त्य, इसके साथ साथ में उग्र, उग्र का क्या होता है साथियों सौम्य होता है। आदर्श, आदर्श का क्या हो जाता है यथार्थ, और उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या हो जाता है साथियों अपकर्ष हो जाता है। आर्स का क्या हो जाता है साथियों अनार्स हो जाता है, आर्स का अनार्स हो जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। हाँ भाई बहुत बढ़िया, स्वागत, राम राम जी, बिल्कुल। आगे चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा उर्वर, उर्वर का अनुर्वर और उशर होता है, अपेक्षा का उपेक्षा, उपसर्ग का परसर्ग, और इप्सा, इप्सा का अनिप्सा होता है, ऊर्ध्व का होता है सर अधः होता है, ऊर्ध्व का मतलब उठा हुआ, अधः का मतलब नीचे का जो भाग है उसे कहा जाता है आपका, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। बिल्कुल भैया, वेरी गुड इवनिंग राहुल गुजर साहब। आगे चलते हैं अगले पेज पर, कुछ और पर्यायवाची जो यहां पर देखो, इनमें से ही परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे भैया, ऐसे मत समझना कि ये ऐसे ही है, यहां से ही पूछ लिए जाएंगे, ध्यान में रख लेना अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं आपका अगला उदाहरण, उपकर्ष का अपकर्ष भी होता है ना भाई, उपसर्ग का अपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग का परसर्ग ही होता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा साथियों, और अनाथ का क्या होता है साथियों सहनाथ, ठीक है। अधित्यका का होता है उपत्यका, अभी अभी ये पूछा गया था, पर्वत की ऊपर समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है साथियों, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहा जाता है, ध्यान में रखना। और अर्पण का क्या होता है सर ग्रहण होता है, अर्पण का क्या होता है ग्रहण होता है, आपको ध्यान में रख लेना है। आगे देखिएगा सर अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का क्या होता है प्रत्यर्थी होता है। अग, अग का होता है सर अनग, अग मतलब गर्मी, अनग का मतलब जा गर्मी नहीं। अधूना, अधूना का मतलब होता है साथियों क्या पुराना, सॉरी नया, और पूरा का मतलब क्या होता है नया, पूरा नहीं होता पूरा होता है, क्या होता है साथियों पूरा होता है, आपको ध्यान में रख लेना है। आगे देखिए आमिष, जो मांस खाता है उसको आमिष कहा जाता है, जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहा जाता है। अतिथि, ठीक है, जो बाहर से हमारा जिसकी तिथि निर्धारित नहीं है वो आ जाता है उसको अतिथि है, और उसका सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है, यानी कि ये दोनों जो है वो आपस में क्या होते हैं मित्रों, आपके विलोम शब्द यहां पर हो जाते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा, अर्जन जो है उसका क्या हो जाता है सर त्याग हो जाता है, आदृत का क्या हो जाता है मित्रों अनादृत हो जाता है, आदृत का क्या हो जाता है मित्रों अनादृत हो जाता है, कुल मिलाकर आपको ध्यान में रख लेना है। आगे चलिए, यानी कि कुल मिलाकर यहां से देखिएगा और आपके सामने क्या है, अब हम बात करते हैं और यहां पर देखिएगा, बात करते हैं भाई साहब देखो कि अनुकूल का क्या हो जाता है आपका प्रतिकूल हो जाता है, अनुकूल का क्या हो जाता है आपका प्रतिकूल यहां पर हो जाता है, ध्यान में रखना। आशक्त का अनासक्त हो जाता है, अधम का उत्तम हो जाता है, प्राचीन का अर्वाचीन हो जाता है, सैसिम का असिम हो जाता है, अभ्यंतर का भय हो जाता है, अविज्य का अनविज्य हो जाता है, अथ का इति हो जाता है, और अंत्य का आद्य हो जाता है, ध्यान में रखना, और अस्ताचल का उदयाचल हो जाता है, अस्ताचल का उदयाचल यहां पर आज हो जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन भी है, अगले पेज पर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखो अगले, ये लो भाई रॉयल यार, तू पहले भी कह देता ना, ठीक है, आपको प्रश्न मिल जाते हैं, ये लो जी भाई आपके लिए है। कुल मिलाकर क्या हो जाता है यहां पर आपका पहला जो विलोम शब्द है वो आ जाता है। अब उत्तर बताना शुरू कर दीजिएगा, हम कुछ आपके पर्यायवाची लेकर आए थे 100, वो मैंने बता दिए हैं। हाँ बिल्कुल, अब उसके बाद में आ चुके हैं आपके प्रश्न, पहला जो है छली का विलोम शब्द आपको बताना है। पहला विलोम है भैया आपका छली जो है, छली जो है उसका आपको बताना है क्या विलोम, बताओ भैया
छल का विलोम बताओ। अब आपका काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर है अच्छल, एक है निश्चल और एक है बीच्छल और एक है आपका कपटी। ध्यान में रखना, पहले का डी जवाब आ रहा है, पहले का डी जवाब आ रहा है। अरे विलोम बताना है लाला, विलोम बताना है, ठीक है। अरे लाला विलोम बताना है, ठीक है। ये आरपीसी बता रहा है, महक भी बता रही है और यदुवंशी राधे राधे। सॉरी सर गलत हो गया ना भाई, सॉरी नॉट मेंशन दिस क्लास। आगे चलिएगा और यहां पर पढ़िएगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कपटी क्यों हो जाएगा ये बताओ। हाँ यदुवंशी जी भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया राधे राधे भाई, बिल्कुल राधे राधे। अब्दुल हक ये जवाब दे रहा है। अब देखो छली का मतलब क्या होता है सर, जो छल करता है। छली का मतलब क्या होता है, जो छल करता है वो होता है मित्रों छली होता है। उसके साथ का विलोम क्या हो जाएगा सर, निश्चल हो जाएगा। निश्चल जिसमें क्या है, बिल्कुल भी छल नहीं है, निश्चल हो जाएगा जिसके मेरे तरीके से। निश्चल व्यक्ति जो होता है बाबा की तरह निश्चल व्यक्ति है ना। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा, छल बिल्कुल नहीं आता ना। कपट और छल वो तो एक दूसरे के पर्यायवाची यहां पर हो जाते हैं। यहां पर अब विलोम आया भाई, पर्यायवाची नहीं आए हैं, विलोम शब्द आए हैं, वो ध्यान में रखना। अब देखिएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाता है सर, पुरातन जो है, पुरातन का जो विलोम है वो क्या होता है। पुरातन, पुरा का मतलब पुराना, अभी मैंने बताया अधूना नया होता है और पुरा पुराना होता है। तो भैया यहां पर तो पूछा गया सर पुराना, लेकिन आपके सामने इसका विलोम पूछा गया। साथ ही यहां पर नवीन पुरातन है, यहां पर नवीन है, यहां पर समीचीन है, यहां पर सामयिक है और यहां पर अद्यतन है। इसका विलोम सब सोच समझ के बताना है आपको। हाँ तपेंद्र बी जवाब दे रहा है, दो का बताओ भाई, दो का उत्तर लिखोगे, दो का बी बता रही है रॉयल महक। और यहां पर कोई नवीन कह रहा है, देखो हाँ न्यू। अरे भाई एंस ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ऑप्शन बताओ, ऑप्शन है ना, बिल्कुल बिल्कुल। नूतन, नूतन नया, नूतन तो ऑप्शन में नहीं है ना। तो यहां पर ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है साथियों, यहां पर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है बी जवाब आपका यहां पर फिर से हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है सर आयात, आयात है। और उस आयात की अगर बात की जाए तो इसका जो विलोम शब्द है, ठीक है कल कहूंगा भैया एक पेज पर दो दो परसेंट डाल दो ना, बारी बारी से ऊपर नीचे नहीं। आयात का जो विलोम है, इस आयात के विलोम की अगर बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा। यहां पर लिखा है सर अपेक्षा, अविष्ट और इष्ट है और निर्यात है। इसका विलोम शब्द फिर से आपका जो जवाब है वो देना है। तीसरे का आंसर यहां पर क्या हो जाता है बताओ जल्दी जल्दी से। तीसरे की अगर बात करी जाएगी तो इसका जो विलोम है वो आयात, आयात है, आधनयात है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है आधन आयात का उल्टा क्या हो जाएगा सर, निर्धन क्या हो जाएगा, यात हो जाएगा। अगर विलोम शब्द की बात करी जाए तो निर्धन आत यात हो जाएगा। यानी कि डी जो ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल जिस जिसने साथी ने बताया तीन का डी हो जाता है। अब अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर अगर चार की बात करेंगे तो देखो चौथा जो सवाल आपका वो बताओ। थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ा दिया भैया, थोड़ा सा सवाल का बढ़ा दिया मैंने लेवल। चौथा सवाल जो आपका उसका आंसर बताना है। आपको यह कहा गया किस विलोम का युग्म सही है, किस युग्म का। देखो आपके सामने जोड़ा दिखाई दे रहा है ना, इस जोड़े में आपको दिखाई देना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसका युग्म है वो राइट है। युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है, ऐसा कौन सा युग्म है जो बिल्कुल क्या भाई आपका राइट यहां पर हो जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से बताना है, बताओ जल्दी जल्दी से। चौथे का आंसर बताओ, स्टेटस पॉइंट डी बता रहे हैं, यदुवंशी सोच रहा है और ड्रीम गर्ल ए बता रही है, चौथे का ए बताया जा रहा है भैया। आकुल और व्याकुल ऊपर देखो, ठीक है ये काट दो है ना, कटो टिकता है हताश का निराश है। यानी आपसे पूछा गया मेरे लाला, यहां पर विलोम पूछा गया, रॉयल ढंग से देख ले तपेंद्र, ढंग से देखो भैया, ठीक है। आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता हूं कि आप गलत बताओ, है ना। तपेंद्र है, रोयल है, बाकी ये जो लोग और है, महक है, ये सारे बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, क्योंकि जो यहां पर जितने भी संख्या है 20 या 21 के, ये ओरिजिनल संख्या है पढ़ने वालों की, ठीक है ये संख्या है ओरिजिनल। आगे देखो सर यहां पर पूछा सर विलोम युग्म सही है, आकुल होना और व्याकुल होना एक ही बात है, आकुल होना और व्याकुल होना ये एक ही है, ठीक है।
कोई बात नहीं सर, मैं पीछे चला हूं, जल्दी से बराबर कर ले भैया। अब कटु का मतलब तीखा होता है, टिक्त का मतलब भी तीखा होता है, तो फिर ये कैसे राइट हो जाए? ये भी गलत, ये भी गलत। यहां पर देखो, हताश होना और निराश होना एक ही बात होता है, तो सूरति और वीरति जो होती है वो इसका विलोम हो जाता है। सु उपसर्ग जब आता है तो उसका लगभग जो विलोम है वो क्या आ जाता है आपका, यहां पर सी आंसर होगा भाई साहब, सब लोग ध्यान रखना है ना, ठीक है। हाँ, डी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, हताश और निराश तो एक ही बात होती है, आकुल और व्याकुल फिर से एक ही बात होती है, कटु और तिक्त तो दोनों की एक बात होती है, तो एक ही ऑप्शन आपका बच जाता है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, आगे चलिएगा और कुल मिलाकर यहां से देखिएगा अगला जो है सर, यहां पर देखिएगा सास का विलोम क्या होगा। अरे सास शब्द नहीं है भाई यहां पर, पांचवा जो क्वेश्चन है भाई वो आपका क्या है, मैं आपको बता देता हूं, पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपका सास शब्द नहीं है। अरे सास का तो ससुर आएगा भैया, पांचवा जो है इसका क्या है सर, सरस जो है उसका विलोम आपसे पूछा गया है, सरस का विलोम आपको पूछ बताना है, ठीक है। पांचवा बताइएगा, सरस जो है उसका विलोम आपको बताना है, सी आ गया भैया बिल्कुल, अब सही है, बिल्कुल अब सही है क्या? हाँ, ये स्टेटस कह रहा है भैया सही है, रिंकू कह रही है सी आंसर है, पांचवें का जो सरस है ना वो आपको बताना है, पांचवें का सरस का विलोम क्या हो जाता है कुल मिलाकर, यानी सरस का मतलब होता है रस सहित, सरस का मतलब क्या होता है सर, सरस का मतलब होता है रस सहित, क्या होता है रस सहित होता है, तो आपको रस सहित है तो इसका विलोम क्या करना होगा, रस रहित करना होगा, क्या करना होगा रस रहित करना होगा, तो रस रहित करने के लिए आपको क्या करना है, रहित का उपसर्ग होता है साथियों निर उपसर्ग, तो आप निर में रस जोड़ोगे तो भाई विसर्ग संधि की रुत्व संधि से ये क्या बन जाएगा, निरस बन जाएगा, और उत्तर क्या हो जाएगा आपका पांचवें का सी आंसर, जितने भी भाई बंधु ने बताया बिल्कुल पांचवें का सी राइट बताया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा है ना, चलिए भैया यहां पर देखो, विशिष्ट विशिष्ट का आपसे पूछा गया है सर पर्यायवाची, ये सॉरी विलोम पूछा गया, ये तो बहुत गजब का सवाल है, छठा जो सवाल है सर, विशिष्ट जो है उसका पर्यायवाची विलोम आपको बताना है, विशिष्ट का पर्यायवाची विलोम, सॉरी पर्यायवाची नाम आता है भैया, तीन दिन से पर्यायवाची पढ़ रहे थे, तो विशिष्ट की अगर बात करी जाएगी तो विशिष्ट का विलोम आपको बताना है, तो विशिष्ट का विलोम क्या होता है, अब बताओ आंसर क्या है, छह का, छह का आंसर बताओ, विशिष्ट का मतलब विशेष, ध्यान रखना विशिष्ट का मतलब क्या होता है साथियों, विशेष होता है, अभी भी जवाब आ नहीं रहा है, आरपीसी गौरी ने एक ठीक जवाब दिया है, आरपीसी कह रहे हैं सर यहां पर छह का डी बता रहे हैं, स्टेटस पॉइंट सी बता रहे हैं, महक ए बता रही है, रोहित भी ए जवाब दे रहे हैं, चलो डी होगा। अब देखो यहां पर विशिष्ट का अर्थ होता है साथियों विशेष, क्या अर्थ होता है सर, विशेष अर्थ होता है, और विशेष के विलोम की बात करते हैं मित्रों तो सामान्य आपका यहां पर हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना, संश्लिष्ट का क्या होता है सर, आपका विश्लेषण होता है, ध्यान में रखना, ठीक है ठीक है, साधारण का विलोम होता है सर आपका, ठीक है, साधारण का असाधारण और शिष्ट का अशिष्ट होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यहां पर ध्यान में रखना, पहले मैंने दिया था है ना, बहुत बढ़िया रॉयल बाबू, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से अगला जो पद है आपके सामने वो कौन सा आ जाता है, हाँ बोलिए अगला कौन सा आ जाएगा बता, सुकृति, सुकृति का जो विलोम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान में रखना, सातवां जो सवाल है वो सातवें सवाल की अगर बात करी जाएगी, यानी सातवां जो सवाल है उसमें देखिएगा सुकृति का विलोम क्या हो जाता है, एक है आपका सुकृति और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका दुष्कृति है, प्रतिकृति है, प्रकृति है और अनुकृति है, जल्दी से बताओ सात नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाता है, ठीक है, कुल मिलाकर अब सातवें का डी फिर से आपके भाई जो जो लोग हैं यहां पर ध्यान में रखना, सातवें का जो डी जवाब है वो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर देखो सात का फिर से डी जवाब आ रहा है, हाँ भैया यहां पर कृति में सु उपसर्ग लगा और सु का लगभग क्या आ जाता है साथियों, वि उपसर्ग आ जाता है, तो यहां पर सुकृति का क्या हो जाता है, दुष्कृति आपका हो जाता है, बिल्कुल डी से फॉर देवा
देवसेना, बहुत बढ़िया, डी से देवसेना। अच्छा भाई आगे चलते हैं, यानी कि आपको ध्यान में रखना है, आपको देखिएगा आपके सामने प्राची है, प्राची का विलोम शब्द होता है साथियों, प्राची जो है उसका विलोम शब्द बताना, थोड़ा सा हार्ड सवाल है आपके लिए, प्राची का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। आठ नंबर सवाल की बात करें तो प्राची जो है उसका आपको विलोम शब्द आपको यहां पर बताना है, जल्दी बताओ आठवें का आंसर बताइएगा, बताओ भैया आठवें का आंसर। हाँ भाई, ड्रीम, दिल्ली पुलिस, स्टेटस, रोहित केवट, ठीक है, बलदेव जी खीचड़, बलवेश कुमारी खीचड़ जी, सब बच्चे बताएंगे, सब भाई बहन बताएंगे कि प्राची का जो विलोम होता है वो क्या होता है, जल्दी से बता दो भैया। ए जवाब आ रहा है, ए जवाब आ रहा है, ए जवाब आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, एक भाई कह रहा है यहां पर कि सर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, डी आंसर हो जाता है, ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, डी। इसका अर्थ मैं बता दूं फिर बता देना, है ना, इसका अर्थ बता देता हूं सर, इसका जो अर्थ होता है सर वो पूरब होता है, इसका अर्थ क्या होता है सर, पूरब होता है, ठीक है, पूरब दिशा जो होती है उसको कहा जाता है, यानी कि अब इसका विलोम दिखाई देना तो आपको क्या ढूंढना है सर, पश्चिम ढूंढना है, क्या ढूंढना है मित्रों, पश्चिम यहां पर आपको ढूंढना है, तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया, बताओ, ठीक है, ना बताओ गुरुदेव, तो ये लो जी इसका प्रतिचि होता है, ठीक है, प्रतिचि होता है प्राची का, आपको ध्यान में रख लेना है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिएगा आपके सामने अकिंचन जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपको बताना है, अकिंचन शब्द यहां पर थोड़ा सा त्रुटि पूर्वक लिखा गया है, उस त्रुटि को अपने सुधारते हैं, नौवां क्वेश्चन जो आपका है, अकिंचन जो शब्द है, अकिंचन जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, और अकिंचन का मतलब क्या होता है मित्रों, गरीब होता है, कल हमने अच्छी तरीके से जाना था, यानी कि आपको अकिंचन का जो है, बिल्कुल, यानी आपको ध्यान में रखना है अकिंचन जो शब्द है उसका विलोम शब्द अगर देखा जाए तो आपको यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, अकिंचन यहां पर दरिद्र है, निर्धन है, और आपका धनाढ्य है, और आपका धान्य है, आपसे यह पूछा गया है कि गरीब जो है, गरीब का तो भैया क्या होता है, अमीर होता है, और अमीर को क्या कहा जाता है, बिल्कुल नौ का सी आ रहा है भैया, नौ का सी जवाब आ रहा है, नौ का ड्रीम, ड्रीम ड्रीम सी जवाब दे रहे हैं, और ड्रीम ऑफ एसआई, बहुत बढ़िया, एसआई वाले बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भैया, ठीक है, जाट ने भी सी जवाब दे रही है, और नाइन का सी जवाब महक के द्वारा भी आया, तो धनाढ्य क्या होता है साथियों, इसका सही हो जाएगा, धनाढ्य का मतलब ही अमीर होता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है, अगला जो सवाल है उन्मुख, अभी मैंने आपको बताया था उन्मुख का विलोम क्या होता है, बहुत बढ़िया सवाल आया, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, उन्मुख का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, दसवां क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, मैंने आपको एक बात बताई थी उन्मुख का विलोम क्या होता है, वो बात मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन आप यहां पर बताइएगा कि उन्मुख का विलोम शब्द जो है वो क्या है, विनित लिखाई दे रहा है आपको सर, आपको विमुख दिखाई दे रहा है, और इसके बाद में सन्मुख दिखाई दे रहा है, और सम्मुख दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दस का डी बताया जा रहा है, अरे लाला दस का डी क्यों बता रहे हो आप, दस का बी बताया जा रहा है तेपेंद्र के द्वारा, प्रेम सर का लाडला महक, और ये बी बच्चे जवाब दे रहे हैं सारे सारे, ये केवट भी बी जवाब दे रहा है, चलो देखिएगा यहां पर अपने बात करते हैं, मैंने कहा था उन्मुख आए और सम्मुख आए, मैंने अभी पीछे दो तीन स्लाइड पहले बताया था अमुख और सम्मुख, इन दोनों का ही विलोम क्या होता है मित्रों, विमुख होता है, क्या हो जाता है, विमुख होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, विमुख। यहां पर सतमुख जो शब्द है, सन्मुख जो शब्द है, इसका अगर विग्रह देखा जाए तो यहां पर क्या आ जाता है सर, सत धन मुख आ जाता है, और इसके विग्रह की बात करेंगे तो आपका सम धन क्या आ जाता है मित्रों, मुख आ जाता है, यानी कि आपका क्या आ जाता है, सत धन मुख आ जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दसवें का बी जवाब आपका हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ख्यात का विलोम क्या होता है, अगर हम ख्यात शब्द की बात करेंगे तो ख्यात जो है उसका जो विलोम है, 11 नंबर की बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है, ध्यान में रखिए, ख्यात का विलोम शब्द अगर देखा जाए तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ख्यात का विलोम शब्द अगर देखा जाए तो आपको ध्यान, हाँ बिल्कुल सम्मुख और इसकी एक ही बात है, अब यहां पर देखिएगा ख्यात जो है, ख्यात जो है उसकी बात अगर करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना, ख्यात का विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बताओ, आपका आख्यात लिखा हुआ है, कुख्यात लिखा हुआ है, प्रख्यात लिखा हुआ है, विख्यात लिखा हुआ है, ये सारे देखो, एक शब्द को छोड़ दिया जाए तो यहां पर बाकी जो शब्द है उन सभी शब्दों के अर्थ क्या हो जाते हैं,
सिमिलर हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। छात जो है उस छात की अगर बात करें, डी फॉर देव सेना, ये भाई डी फॉर देव सेना बारी बारी से 11 का डी टेपेंद्र बता रहा है, महक भी बता रही है, 11 का ए बता रही है। ख्यात आख्यात प्रख्यात और विख्यात, सब का सब सब विलोम पूछा भाई आपसे, है ना, एक एक एक। अरे ख्यात का क्या हो जाता है, कुख्यात हो जाता है, ठीक है। आख्यात प्रख्यात और विख्यात सारे एक ही है, लेकिन कुख्यात इन सब का क्या है, विलोम शब्द है कुख्यात। एक होता है ख्यात, एक होता है कुख्यात, एक होता है भैया अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध हो जाना, और एक होता है तो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो जाना, उसको कुख्यात कहा जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। आगे चलते हैं मित्रों, और ये लो जी भैया सीटी का 5 दिवसीय ऑफर आपका जो चल रहा है, उस ऑफर को आप पाठशाला वाले आप चैनल पर जाकर भुला सकते हो, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। और रिकॉर्डेड 499 में है तो लाइव फॉर क्या है 999 रुपए में आपका हो जाता है, कोई बात नहीं, गलत हो गया सो हो गया। आगे चलिएगा साथियों, बिल्कुल किस विकल्प में अधम का विलोम शब्द है, किस विकल्प में आपका अधम का विलोम शब्द आपका हो जाता है। अधम का मतलब क्या होता है साथियों, देखो अधम जो है उसका अर्थ होता है मित्रों मूर्ख, अधम का मतलब क्या होता है मित्रों, मूर्ख होता है, यानी कि आपका शायद ये 12वां है क्या। देखो भाई आपको क्या करना है सर, श्रेष्ठ करना है, क्या करना है श्रेष्ठ करना है, तो श्रेष्ठ के लिए आपका कौन सा यहाँ पर विलोम शब्द आ जाता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे इसका जो विलोम शब्द है वो कौन सा आ जाता है मित्रों, तो अधम का जो विलोम है साथियों वो कौन सा आ जाता है, 12 का आपका उत्तम जो है वो आपका आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके लिए विलोम शब्द है, कौन कौन साथी जुड़ा भैया, एक बार इस मोबाइल में मैं चला लेता हूं, एक बार रुकिएगा भैया, सब साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और इस सवाल का जवाब भी देने के लिए आप भैया बाध्य हो, बिल्कुल भैया। देखो एसएससी जीडी में भाई साहब आपके ऐसे ही विलोम शब्द आपसे पूछा करते हैं, आपसे पूछा गया साथियों मौन, कि मौन का आपको बताना है विलोम शब्द। सबसे पहले तो हम इसका विलोम शब्द कब बता सकते हैं, जब हमें इस मौन का क्या होगा अर्थ पता होगा। तो कौन बता रहा है भाई, राम किशोर बता रहा है सी, तो अभी सभी बच्चों ने आंसर देना शुरू नहीं किया है भाई साहब, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाता है, आपसे सुनते हैं। सुनीता कह रही है सर सी होता है ना। सरोज वर्मा जी वेरी गुड इवनिंग, अच्छी तरीके से जुड़िएगा एक बार। अब हम बात करते हैं साथियों, मौन का जो मतलब होता है वो होता है चुप, मौन का मतलब क्या होता है, चुप हो जाना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना, बस एक उसी साधना में लगे रहना, बस उस ओमकार को आप स्मरण जब मन ही मन में करते हो तो इसका मतलब आप मौन होते हो, चुप होते हो। लेकिन इसका विपरीत जो शब्द है, बिल्कुल ड्रीम ऑफ ऐसा ही, आशा चौधरी सी बता रही है, श्वेता बच्ची सी बता रही है, और सब बच्चे यहाँ पर देखो बिल्कुल भैया अच्छी तरीके से सुनिएगा, चुप तो इसका यहाँ पर लिखा ही हुआ है। मौलिक का मतलब भैया, मौलिक का विलोम होता है मित्रों अनुदित, क्या होता है अनुदित होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में शांत लिखा हुआ है यहाँ पर, यह शांत नहीं होगा। लेकिन बाचाल का मतलब क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला, बाचाल का अर्थ होता है ज्यादा बोलने वाला, तो भाई इसका क्या हो जाता है, ज्यादा बोलने वाला इसका आपका अर्थ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ज्यादा बोलने वाला इसका अर्थ हो जाता है। वेरी गुड श्याम बिश्नोई ने कहा सर कि इसका मतलब ज्यादा बोलने वाला हो जाता है, बहुत बढ़िया। सब बच्चों ने कहा मौन का अर्थ तो चुप होता है, तो चुप का विलोम वाचाल होता है, वाचाल का मतलब क्या होता है साथियों, ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से कम बोलने वाला का कहा जाता है सर आपका, यहाँ पर मितभाषी भी कम बोलने को कहा, कम बोलने वाले को कहा जाता है सर मितभाषी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना, मितभाषी का मतलब भी होता है सर कम बोलने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिएगा अगला बहुत ही गजब का सवाल आया, दूसरा आज का सवाल यह है कि सर आपके सामने ताप शब्द लिखा हुआ है, और आपसे पूछा गया है साथियों कि ताप का आपको विलोम बताना है, बताओ भैया जल्दी जल्दी से। ज्योति स्वामी सर आज मैथ की क्लास नहीं आई, अभी चल रही थी भाई मैथ की क्लास। राधे राधे सर जी, लाडला भी राणा वीर प्रताप भी आ गए भाई साहब, है ना। हाँ अब देखो कुल मिलाकर आपके सामने ताप का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो आपको बताना है। सबसे पहले आप ताप का जो अर्थ है वो जान लीजिएगा, बिल्लू चिनू भाई आ गई है, चिनू भाई साहब वेरी गुड इवनिंग बच्चा। ताप का मतलब क्या होता है मित्रों, गर्म होता है,
गर्म को हम क्या कहते हैं सर? उष्ण कहते हैं। उष्ण गर्म को क्या कहा जाता है? उष्ण कहा जाता है। अब आपसे ये पूछा गया, आपको क्या पूछा गया है साथियों, ध्यान में रखना है। नया कलर बनाते हैं भैया, एक बढ़िया सा, कहाँ दिखेगा ये कलर, एक बढ़िया सा कलर बनाते हैं और यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, यहां पर आया। अब देखो इसके साथ साथ में आपको देखो कि ताप का जो विलोम होता है वो क्या हो जाएगा, बताओ। यहां पर उष्ण लिखा हुआ है, शीत लिखा हुआ है, समताप लिखा हुआ है और पाप लिखा हुआ है। पाप का तो क्या होता है विलोम मित्रों? पाप का तो होता है पुण्य। क्या होता है मित्रों? पाप का होता है पुण्य। बिल्कुल पिंकी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। हनुमानगढ़ वाले बच्चे आ गए, बी जवाब दे रही है श्विता, ठीक है। और कुल मिलाकर श्विता ने कहा सर बी होता है। चिन्नू कह रही है बिल्कुल बिल्कुल। और किसने कहा? शीत। सबने कहा भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलिएगा सर। बिल्कुल क्या होता है इसका आंसर? शीत हो जाएगा। शीत का मतलब क्या होता है मित्रों? ठंडा होता है। शीत का मतलब ठंडा होता है और ताप का मतलब गर्म होता है। ताप और संताप तो एक जैसा शब्द से आपके हो जाते हैं। चलो भाई साहब अगला देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने सर, अंगीकार तीसरा जो क्वेश्चन है उसका विलोम शब्द आपसे पूछा है। अंगीकार का विलोम क्या होता है? अंगीकार जो है उसका विलोम शब्द की अगर बात करी जाएगी मित्रों, अंगीकार करना, तो इसका विलोम शब्द आपको जल्दी से बताना है, जल्दी बताओ, ठीक है? कुल मिलाकर आपको बताना। बिल्कुल सरोज वर्मा, थारो नाम ले लियो भाई, चिंता ना करो। सरोज वर्मा जी ने भी बताया था भाई, आपको ध्यान में रखना। अब आपके सामने सर अंगीकार का दे रखा है मकार, स्वीकार, धिकार और बहिष्कार। बताइएगा जल्दी से, बहुत गजब का सवाल है कि यहां पर अंगीकार का बिल्कुल बताओ, इसका आंसर बताओ। सुनीता डी बता रही है, राम किशोर जी बता रहे हैं आपका बी जवाब, और चिन्नू भाई साहब भी बता रही है, सुनीता बाबू बहिष्कार कह रही है, पिंकी शर्मा भी बहिष्कार कह रही है, बताओ। हाँ डीप रॉय जी भी बता रहे हैं। श्याम जी कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं श्याम जी महाराज? गुरु जी विकास गुरु जी, मैं राजस्थान हाई कोर्ट की चपरासी की तैयारी कर रहा हूँ। करो भैया, कौन मना कर रहा है आपको, किसी की भी तैयारी करो अच्छी तरीके। और सोनू राज कह रही है गुरु जी मैं नया स्टूडेंट। सोनू राज भैया थे तो अपना पुराना रेगुलर स्टूडेंट हो। अब देखो अंगीकार का मतलब ही स्वीकार करना होता है, किसी को अंगीकार करने का मतलब ही स्वीकार करना होता है, तो ये इसका विलोम नहीं हो सकता। पहले बात आप इसका ये अर्थ काट दे सकते हो, ठीक है? अंगीकार करना ही स्वीकार होता है, तो यहां पर इसका जो विलोम होता है, बिल्कुल पानी पी लिया मैंने, अच्छे तरीके से देखिएगा, इसका जो है विलोम वो क्या होता है सर? बहिष्कार होता है। तो तीसरे सवाल का आंसर आपका कौन सा हो जाता है? बिल्कुल सब बच्चे, सरोज ने भी डी बताया है, बिल्कुल। आगे देखिएगा मित्रों, आपके सामने पहला जो शब्द दिखाई दे रहा है साथियों, सुलभ जो है, यानी आपसे पूछा गया सुलभ, यानी जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहा जाता है? सुलभ कहा जाता है। और उस सुलभ का पर्यायवाची पद आपसे पूछा गया, तो बताइएगा। सभी साथी एक बार इस सेशन को शेयर करिएगा। बिल्कुल सुलभ का यहां पर विलोम पूछा है, यहां पर अलभ है सर, दुर्लभ है, निर्लभ है और आपके सामने क्या है? अनुलंब कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि आपका जो शब्द है सुलभ, तो इसका विलोम यहां पर क्या हो जाता है? ब्लॉक होना है तनिया बता दे। अरे वावड़ा प्राणी, तन ब्लॉक होना है या पढ़ना है? ना पढ़ना है तो भैया ठा कोई काम नहीं है, बिना पढ़ने वाला हूं, ठीक है? मैं एक को भी पढ़ा के खुश हूं, पढ़ने वाला होना चाहिए। सुलभ, सु जब अपने उपसर्ग की बात करते हैं तो यहां पर इसका जो विलोम आपका हो गया सर, दुर उपसर्ग आपका आ जाता है। और दुर उपसर्ग से आपका क्या बन जाता है मित्रों? दुर उपसर्ग से आपका बन जाएगा यहां पर क्या सर? दुर्लभ बन जाता है, दुर्लभ। यानी कि सुलभ का जो विलोम हो जाता है वो क्या हो जाता है मित्रों? यहां पर आपको ध्यान में रखना, दुर्लभ का विलोम हो जाता है। बिल्कुल राम किशोर, आमेर सिंह, सजना संजना कुमावत जी है, उन्होंने बताया, रणजीत जाट है, और बी होगा सर बिल्कुल, और दुर्लभ दुर्लभ ये सेवटा ने बताया, बी होगा राम किशोर ने बताया, चिन्नू ने बताया, श्विता ने बताया, बहुत बढ़िया श्विता। बच्चे आगे चलिएगा। अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, अगला जो उदाहरण है आपका, क्वेश्चन है आपका, कि अंधकार जो शब्द है,
अंधकार जो है उसका आपको समझना है सर। अंधकार का क्या होता है? अंधकार को अंधेरा कहा जाता है मित्रों। अंधकार को क्या कहा जाता है मित्रों? अंधेरा कहा जाता है। अंधेरे को तम कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना। अंधेरे को क्या कहा जाता है? तम कहा जाता है। इसका विलोम पूछा गया है सर। यहाँ पर प्रकाश है, सूर्योदय है, उजाला है, और आपका क्या है सर? कालिमा है। आपसे पूछा गया अंधकार, अंधकार का जो विलोम है बताओ। कोई सी जवाब दे रहा है तो आपको अभी बताना है, ठीक है? सरोज कह रही है सर बी जवाब, आशा कह रही है सर ई जवाब, सचिन गुजर कह रहा है सी जवाब, सुनीता बाबू उजाला, ठीक है? अंधकार है, अंधकार का आपको क्या करना है? अगर यहां पर अंधकार आया तो आपको क्या विलोम करना है, या अगर अंधेरा आया तो आपको क्या विलोम करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डी प्रो डी बता रहे हैं भैया, कालिमा कैसे हो जाएगा बच्चे, ध्यान में रखना। कोई बच्चे सी कह रहे हैं, स्विता कह रही है डी, पवन गिरी कह रहा है सर सर जी धौलपुर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। सरोज कह रही है जी आपका, प्रकाश रॉयल कह रही है सी जवाब, आमिर कह रहा है ए जवाब। चलो बच्चे, यानी कि अगर आपसे पूछा अंधकार, अंधकार का तो आप कर दोगे सर प्रकाश, लेकिन आपसे पूछा अंधेरा तो अंधेरा का कर दोगे उजाला। अब आपसे कौन सा शब्द पूछा है बताओ, अब आपसे कौन सा शब्द पूछा है जल्दी से बता दो। अरे 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 रॉयल बाबू, अरे उत्तर ढंग से दो। अनुमान पवार एचपी कह रहा है सी, सब बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, उनका हो जाता है गलत। और यहां पर इसका जवाब होगा सर अंधकार का प्रकाश। अगर यहां पर प्रकाश ऑप्शन में न होता, अगर ऑप्शन में यहां पर प्रकाश नहीं होता तो हम उजाला कर सकते थे, लेकिन अब प्रकाश भी है उजाला भी है तो यहां पर क्या हो जाता है मित्रों? अंधकार का तो आपको प्रकाश करना है और अंधेरा का आपको उजाला करना है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। उत्तर आपको ए जवाब देना है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही था। अगला शब्द आपके सामने है, सवाल नंबर कौन सा भाई आपका? ये सवाल है आपका, देखो ये चौथा सवाल था शायद, हाँ सुलभ वाला ये चौथा सवाल था और ये आपका पांचवा सवाल था। अब चलते हैं मित्रों छठे सवाल पर। छठा सवाल जो आपका है सर, हास का विलोम क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना भाई, हास का विलोम क्या होता है, कुल मिलाकर आपको हास का जो विलोम है उसके बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे। क्या करेंगे मित्रों? हास के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप जो हास जो है उसके बारे में अपने बात करें, तो चलिएगा। हास का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम हास को जाने, तो हास का जो मतलब है वो क्या होता है? उत्तर बताओ। मेरा सही था, बहुत बढ़िया शिवराज पुरोहित भैया। हास का मतलब होता है हंसना, स्विता कह रही है साथियों बी। और यहां पर देखो, हास का मतलब होता है मित्रों हंसना, क्या सर? हंसना होता है। और यहां पर कुल मिलाकर अपने बात करें, हास का विलोम क्या होता है? हास का परिहास, रुदन, गायन और उपहास। देखो गायन गाना होता है, उपहास हंसी मजाक होता है, परिहास और उपहास एक ही बात है। लेकिन यहां पर हंसना का जो विलोम हो जाता है वो रोना हो जाता है, रोने को रुदन कहा जाता है। अगर हास आया तो रुदन, हंसना आया तो रोना। तो इस तरीके से आप विग्रह करोगे, यानी कि छठे का बी आंसर सब बच्चों का ड्रीम है, और राम किशोर है, स्विता है, चिन्नू भाई है, शिव राजपूत ये पुरोहित है, गलती से सी टाइप हुआ, प्रेम राठौड़ कह रहा, कोई बात नहीं भाई, भोमराज है, चलिएगा। रॉयल भी बी जवाब दे रही है। सातवां सवाल आपके बीच में ये रहा, बहुत ही गजब का सवाल है कि सर सर्वे का विलोम आपको बताना है। सर्वे का विलोम देखो, यहां पर सर्वे का जो विलोम शब्द है वो आपको आंसर आपको देना है भाई, जल्दी से आपको इन सवालों में से समझ के आपको सर्वे का विलोम आपको बताना है। सर्वे का मतलब है भैया जो आपको सुनाई दे। सर्वे का मतलब क्या है? जिसे सुना जा सके। बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करिएगा। सर्वे का मतलब होता है जो सुनाई दे, सर्वे का मतलब होता है जो सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं? सर्वे कहा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है सर आपका अदृश्य, कटु, दृश्य और लौकिक। जल्दी उत्तर बताओ, पानी पी लेता हूं, जल्दी उत्तर बताइएगा। श्याम तो सी बता रहा है भाई, है ना? आशा भी सी बता रही है, रंजीत भी, आदित्य भी सी, राम किशोर भी सी, संजना भी सी। क्या पता यार, मुझे तो पता नहीं भी मैथ की क्लास हुई या नहीं हुई, मैंने देखी नहीं। मेरी क्लास इस टाइम दूसरे चैनल पर होती है तो मुझे पता नहीं होता, है ना? मेरी क्लास है
वो 7 से 8 लेकर दूसरे चैनल पर होती है, तो मुझे पता नहीं रहता हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब आगे देखो। यानी एक बच्चा कह रहा है सर बी होगा, कैसे होगा भाई? बी का अर्थ होता है सर कटु, कटु का मतलब होता है कड़वा, कटु का मतलब कड़वा, कैसे हो जाएगा? यहां पर देखो अलौकिक है, उसका विलोम क्या होता है मित्रों? लौकिक होता है। क्या होता है? लौकिक होता है। दृश्य का मतलब दिखाई दे, और दृश्य का मतलब होता है दिखाई दे, और ऊपर आपका लिखा जो सुनाई दे, जो दिखाई देता है उसका विलोम होता है सर जो सुनाई दे, उसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर यहां पर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। हाँ भैया, सर मैंने तो भी बताया था सर, ये मुझे आता है। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे सवाल है लेकिन आपकी परीक्षा में आपके लिए क्या हो सकता है, ये रामबाण। ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है, अभी चल रही होगी पता नहीं, आगे चलिएगा। अब आगे अपने चलते हैं मित्रों। निर्जीव लिखा है, शब्द को सही करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं तो भैया सबसे पहले क्या कर देते हैं? शब्द को सही कर देते हैं। यहां पर निर्जीव शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, उस शब्द में वर्तनी की अदृश्य शुद्धि है। शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से क्या है भाई साहब? अशुद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। और वर्तनी की दृष्टि से वो निर्जीव शब्द वो अशुद्ध है। तो यहां पर देखिएगा, इसका विलोम पूछा गया है सजीव, सहजीव, अजीव और सहगुण। आपको उत्तर यहां पर बताना है भाई। सी जवाब आ रहा है, ऐसा कह रही है बिल्कुल सजीव, ध्यान में रखना। सरोज ए जवाब दे रही है, भोमाराम जी बी जवाब दे रहे हैं, आगे चलेगा। आशु सर का लाडला भी ए जवाब दे रहा है। रॉयल कह रही है सर ए जवाब होगा। प्रेम कह रहा है ए जवाब होगा। सरोज, सब बच्चे ए जवाब यहां पर दे रहे हैं। चले भाई, यानी आपको निर्जीव का मतलब पता चल गया कि निर्जीव जो जीव नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो क्या जीव नहीं है वो निर्जीव है, और जो जीव है वो सजीव है। जो जीव जो क्या है, जो जीव है वो क्या है आपका? सजीव है। तो इस तरीके से इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा मित्रों? आपका सजीव यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है लाला? सजीव आपका यहां पर हो जाता है। तो इस तरीके से सब बच्चों ने ए जवाब बढ़िया दिया है। नवा सवाल जो आपका हो जाता है, नवे सवाल की बात करूं कि विशाल शब्द का विलोम होगा, बताओ विशाल जो शब्द है उसका विलोम क्या होता है? विशाल, उत्तर बताओ। विशाल का मतलब क्या होता है? विशाल का मतलब होता है गुरुजी बड़ा। तो यहां पर इसका आपसे पूछा गया है विशाल का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें भी एक को लॉक करें। देखो सवाल नंबर आपको बताना है, 9 का उत्तर बताना है। 9 का उत्तर बताओ, ठीक है, 9 का उत्तर बताओ भाई। एक डी बता रहा है, एक कह रहा है गुरुजी ए ने लॉक कर दो। बताओ भैया किन लॉक करूं, है ना, बताओ सबके सब बताओ। आशा कह रही है सर डी कह रहे हैं, आशु सर का लाडला भी डी बता रहा है, पवन गिरी सी बता रहा है, रॉयल और सविता डी बता रही है, राम किशोर डी बता रहे हैं, संजना भी डी, श्याम भी छोटा। और अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है मेरे भाई बहनों, आपको ध्यान में ये रखना होता है कि सर विशाल का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? विशाल का मतलब होता है बड़ा। और आपको पता है जब बड़ा होता है इसका अर्थ, तो आपको पता है यहां पर इसका अर्थ जो आएगा वो छोटा आएगा इसका विलोम। और छोटा जो है यहां पर क्या है सर? क्षणिक का मतलब छोटा नहीं है। क्षणिक का मतलब क्या नहीं है? छोटा नहीं है। विकराल तो भैया भयानक होता है। विराट का मतलब तो फिर से क्या होता है लाला? विराट का मतलब तो होता है बड़ा। और इसके साथ साथ में अब देखो, एक ही शब्द बचता है जिसका मतलब लघु होता है, और लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। आराम से आपको बता देना है। आगे चलते हैं अगले पेज पर, यहां पर ध्यान में रखना। अब देखो अगला शब्द ये आया कि साथियों निर्मल शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अरे निर्मल बाबा नहीं है, ये निर्मल है। ठीक है, निर्मल है, यानी कि आपका निर्मल जो शब्द है उसका आपको बताना है विलोम। निर्मल का अर्थ क्या होता है साथियों? मल रहित। मल रहित आपका होता है। क्या होता है मित्रों? निर्मल का अर्थ होता है मल रहित होता है। क्या होता है मित्रों? मल रहित होता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। निर्मल की बात करूंगा तो वो आ जाएगा आपका मल रहित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मल रहित आ जाएगा। हाँ अब बताओ उत्तर। मेला, अरे हर बार एक कोई जवाब लॉक करूं क्या? राम किशोर बी बता रहा है। हाँ, कोई बी बता रहा है तो कोई ए बता रहा है, कसनिया बता रही है, टारगेट डी कह रही है, डी में
डी डी मलिन लिखा जा रहा है, नेटवर्क इशू। अरे पिंकी हो जाएगा नेटवर्क इशू, सही कर लो भाई, नेटवर्क डी बता रही है। और इसके साथ साथ में मधु खिचड़ कह रही है सर डी होगा, संजना कह रही है बी होगा, सरोज कह रही है बी होगा, पिंकू वाईफाई ऑफ हो गया, चिन्नू डी, मलिन रणजीत भी। चलो भाई, यानी कि आपको पता है मल आपका इसका होता है मल रहित, यानी जो साफ सुथरा वो मलिन है। अब आपको गंदा रखना है, यानी कि इसका अर्थ आपको ये लेके आना है सर मल सहित। यानी यहां पर तो इसका मतलब क्या होता है, मेला होता है। यहां पर इसका मतलब तो क्या होता है मित्रों, मेला होता है। ये तो ऐसे नहीं हो सकता, विमल नहीं है इसका, गंदा तो है ही, लेकिन इसका होता है मलिन। मलिन का मतलब होता है मल सहित, क्या होता है मल सहित होता है। और इसके विलोम की बात करते हैं तो आपके सामने जो मेला हो मलिन है, श्याम बाबू ने सही कहा। अगला पेज देखिएगा, अगले पेज पर आपके लिए सवाल ये है, अगले पेज पर देखिएगा कि आपको ये कहा गया सर अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। ये 10वां सवाल था और ये आपका 11वां क्वेश्चन है कि अर्वाचीन जो है, अर्वाचीन जो है, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। अर्वाचीन जो है उसका विलोम आपके लिए क्या है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सर यहां पर लिखा हुआ है नवीन, कठिन, और आपका प्राचीन, और आपका आधुनिक। अर्वाचीन जो है उसका विलोम आपको आंसर में बताना है। सब बच्चे ये बताएंगे भैया, जल्दी से बताओ, है ना। और शिवराजपुर डी बता रहे हैं भाई साहब, सरोज कह रहा है सर प्राचीन होते हैं, और आशु सर का लाडला कह रहा है सर ए नवीन होता है, और राजू कुशवा जी सी बता रहे हैं, आशा जी डी बता रहे हैं, चिन्नू भाई सी बता रही है। तो प्राचीन यहाँ पर बताया जा रहा है। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है मित्रों, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और नया को ही क्या कहा जाता है, नवीन कहा जाता है, और नया को ही अधुना कहा जाता है, यानी आधुनिक कहा जाता है। लेकिन आपको तो समझना है कि इसका जो होगा वो पुराना होगा, और पुराना जो है वो क्या है, प्राचीन है। क्या है सर, प्राचीन है, प्राचीन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, प्राचीन, इसका विलोम शब्द है वो आपका आ जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको बताना है, ठीक है। बताओ भाई, एक बार देख लो भैया, ये सही बताया क्या, आपको ध्यान में रखना। हाँ, और कौन कौन साथी जुड़े हैं जल्दी से बताओ, और कौन है भैया, 31 के लोग तो नहीं है सर, नवीन प्राचीन का होता है। हाँ देखो सर, इसमें सर घूम गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या होता है, विलोम शब्द जो होते हैं ना वो ऑप्शनों पर डिपेंड ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं सर, प्राचीन का नवीन होता है, तो क्या दिक्कत है, अर्वाचीन ही नवीन है। ये देखो अर्वाचीन को मैंने क्या कहा, नवीन ही तो कहा है, मैंने गड़बड़ कहाँ करी। प्राचीन का मतलब क्या होता है मित्रों, पूरा होता है। यहाँ पर इसका होता है सर पुराना होता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा साथी, सॉरी विलोम क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर जो है वो आपका अच्छी तरीके से हो जाता है, यहाँ पर ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि आपका 12 नंबर सवाल देखिएगा, और 12वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, दिए गए शब्द में आपका विलोम चुनना है मित्रों, किसका, प्रहार। प्रहार का अर्थ सबसे पहले हम जान पाए, तो इसका जो विलोम है वो भी हम जान पाएंगे कि प्रहार शब्द जो है उसका विलोम क्या होता है। हाँ जी सर, मलिन डी लो। अरे डी अभी मलिन में कहाँ बैठा भाई, तू लाइव में आ जल्दी से। प्रहार जो है उसका विलोम शब्द हम जानेंगे, बिल्कुल। अब देखिएगा साथियों, प्रहार जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, नाश होता है, हमला होता है, सॉरी, प्रहार करना, इसका मतलब क्या होता है साथियों, हमला करना। और प्रहार का विलोम जो होता है वो आपको बताना है साथियों, क्या प्रहार करना मतलब किसी के ऊपर हमला कर देना, ये प्रहार होता है। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सर हमला, और आपको दिखाई दे रहा है सर बिहार, विहार है, और प्रतिरक्षा और रक्षा। अब यहां पर इसका आंसर बताइएगा। मैं लेट हो गई सर, कोई बात नहीं, मैं एक भाई आ गया तभी, ठीक है ना। रणजीत डी बता रहा है सर पीछे रह गया, कोई बात नहीं, पीछे रह गया। अरे सुनीता, बिहार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रहार का मतलब होता है मित्रों हमला, लेकिन अब देखो आप इस हार के वजह से आप बिहार मत कर देना। बिहार का मतलब होता है सर घूमना या भ्रमण करना, क्या, घूमना या भ्रमण करना। यहां पर हमला तो दे रखा है, काट दो, रक्षा और प्रतिरक्षा एक ही बात है, मतलब हमला का क्या हो जाता है सर रक्षा हो जाता है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी नंबर आंसर। जो बच्चे डी बता रहे हैं भाई साहब उनका तो राइट होगा, बिल्कुल, देखो मैं सही बोला था। हाँ
देखो आप सही बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अब कुल मिलाकर आपको बताना है, प्रहार जो है उसका हो जाएगा सर रक्षा करना। आपको विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, न कि आपसे समानार्थी शब्द पूछे जा रहे हैं। यानी कि 13वां सवाल जो है आपका, इस सवाल का आंसर आप सब लोगों को बताना है। 13 का आपसे पूछा गया सर सदाचार। सदाचार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इस शब्द की संधि देख लेते हैं मित्रों, कि सदाचार जो है इस शब्द की संधि क्या होती है। तो लाला आप कहोगे सर सत धन क्या होता है आपका? आचार यहाँ पर होता है। क्या होता है मित्रों? सत धन आचार आपका यहाँ पर हो जाता है। और सत धन आचार से ही क्या बनता है? सदाचार बनता है। सत धन आचार से ही आपका क्या बनता है? सदाचार बनता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अरे गलत नहीं करना है, गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रॉयल कह रही है साथियों ए होता है। यहां पर देखो, एक लिखा है कुविचार, एक लिखा है विचार, और एक लिखा है सुविचार। देखो सुविचार और विचार एक ही बात है। यहां पर लिखा कुविचार, तीनों तो भैया एक दूसरे के क्या कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है सर? दुराचार हो जाता है। यानी कि इसके विलोम की अगर बात करी जाएगी तो शब्द आएगा आपका दुराचार। और दुराचार की बात अगर करी जाए तो दुर उपसर्ग है, और इसमें आपका जो मूल शब्द है वो है आचार। क्या है मित्रों? मूल शब्द जो है वो आपका है आचार। दुर धन आचार से क्या बनता है सर? दुराचार बनता है। आपको ध्यान में रखना है। कौन सी संधि है ये भी बता दूंगा सविता बाबू, ये संधि आपकी हो जाती है सर। यहां से चलते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं 3 नंबर, और इसका बना दिया जाता है 3। तो तय का बनता है द, तय का बनता है आपका कौन सा सर? तय का तीसरा द आता है। और हलंत वाली जब आती है तो मित्रों यहां पर सदाचार में कौन सी संधि? सदाचार में आपकी व्यंजन संधि होती है। और दुराचार की अगर बात करें, दुर है, लेकिन अगर आप संधि पूछोगे तो यहाँ पर दो विसर्ग आपका लाला आ जाता है आचार। तो बाबू भैया यहाँ पर कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। क्या संधि हुई लाला? विसर्ग संधि आपकी हो जाती है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि होती है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं बता दो। तो इसका आंसर दुराचार हो जाता है। 11वां क्वेश्चन देखो भाई, भाई के प्रॉब्लम होगी 11वें। क्या है 12वें में बताओ? मैंने सही तो कहा कि अर्वाचीन का विलोम शब्द का चयन करो। श्याम बाबू देखिएगा, 11वां जो है उसकी अगर बात करें तो ये देखो, मैंने कहा अर्वाचीन को ही नया कहा जाता है, नवीन कहा जाता है, अधूना कहा जाता है। तो नवीन तो कट ही गया भाई, नवीन और आधुनिक तो काट ही दो, तो ऑप्शन तो गए पहले से। फिर अब कठिन, कठिन इसका बनता नहीं, कठिन का तो रजू बनता है, रजू का मतलब सीधा होता है। ऑप्शन एक ही बचा, 11 का सी हो जाता है, प्राचीन हो जाता है। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो। डीपी भैया अभी आया तेरा कमेंट, अब मैंने पढ़ दिया है ना, ठीक है आगे चलते हैं। अब अगले की बात करते हैं, और आपका सवाल नंबर आपका आ जाता है मित्रों 14 नंबर, यानी 14 नंबर सवाल की बात मैं करूं तो अब आपसे पूछा गया सर संक्षेप जो है उसका आपको संधि, अब संधि के साथ साथ में आपको विलोम बताना है सर। संक्षेप जो है उसका यहां पर आपको करना है इसका विग्रह, और संक्षेप का विक्षेप लिखा हुआ है सर, लघु कम और आपका विस्तार लिखा हुआ है। बताओ विलोम शब्द बताओ भैया। हाँ बता दो एक बार, सारे के सारे भाई बंधु बता देंगे कि इसका विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों इस शब्द के विच्छेद के बारे में। संक्षेप की अगर मैं बात करूंगा मित्रों, सम धन क्या आ जाता है आपका? क्षेप आ जाता है। क्या आ जाता है मित्रों? सम धन क्षेप आ जाता है। और यहां से अगर हम देखेंगे तो संधि कौन सी लगती है? व्यंजन संधि लगती है। कौन सी संधि मित्रों? व्यंजन संधि। संक्षेप का मतलब क्या होता है मित्रों? छोटा करना। क्या करना? छोटा करना। तो आप इसका जब विलोम देखोगे तो क्या आ जाएगा इसका विलोम? बड़ा करना। किससे सर? बड़ा करना। क्या आ जाएगा मित्रों? बड़ा करना यहाँ पर इसका जो विलोम है वो आ जाता है। लेकिन बड़ा करने वाला जो विलोम है वो कौन सा है सर? विक्षेप। विक्षेप तो भैया नष्ट करने वाला होता है, लघु तो पहले से छोटा ही कम है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? विस्तार। और विस्तार में क्या आ जाता है सर? विस्तार इसका विलोम यहाँ पर आ जाता है। तो संक्षेप का क्या हो जाता है मित्रों? विस्तार आ जाता है। ठीक है, अगर शब्द आ जाए आपका कौन सा? संकीर्ण। तो संकीर्ण का जो विलोम हो जाता है वो क्या हो जाता है मित्रों? सर विस्तीर्ण हो जाता है। क्या सर? विस्तीर्ण हो जाता है। बात वही है लेकिन आपके शब्द जो है वो बदल रहे हैं, और कुल मिलाकर आप बच्चों का सवाल का जो आंसर है वो बिल्कुल राइट यहां पर आ रहा है। अब हम अगले सवाल पर अपने चलते हैं भाई। चलें क्या अगले सवाल पर?
चलो गुरु जी अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है सर, तरुण जो शब्द आपका दिखाई दे रहा है, तरुण की बात करते हैं, तरुण शब्द दिया गया जो शब्द है उसके विलोम शब्द की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, तरुण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तरुण के अर्थ की अगर बात करेंगे तो बाबू तरुण का जो अर्थ होता है, तरुण का जो मतलब होता है जवान, तरुण जो होता है वो जवान होता है भैया, तरुण का मतलब युवक होता है और जवान होता है, आपको ध्यान में रखना। लेकिन यानी कि आपसे ये पूछा है इसका विलोम, अब तरुण का मतलब जवान दिया, नया दिया, वृद्ध दिया, पता दिया, बताओ कौन सा आंसर दोगे आप। आशु सर को लाडलो दे रहे हो जी, सी, राज कुशवा दे रहा है, डीपी दे रहा है, ए, है ना सर, राम राम गंगापुर सिटी से, राम राम भैया बीकानेर की पावन धरा से, है ना, स्टूडियो नंबर 2 से अभी मैं लाइव हूँ, रॉयल जाटनी सी कह रही है, और मुकेश मालावत सी, जवाब आशा सी, सरोज सरोज चिनू मुकेश ड्रीम एसआई वाली बच्ची कह रही है सर बच्चा या बच्ची मुझे पता नहीं भैया, पवन गिरी सी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का जवाब लगभग यहाँ पर सही आ रहा है। सर तरुण जो है इसका विलोम हो जाता है मित्रों, वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध का मतलब मित्रों बूढ़ा हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। इसी तरुण में आप जब यह प्रत्यय जोड़ते हो लाला तो क्या बनता है साथियों, तारुण्य बनता है, क्या बनता है साथियों, तारुण्य आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, तारुण्य बन जाता है। इसी वृद्ध में आप क्या जोड़ते हो लाला, इस वृद्ध में यह प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका बन जाता है वार्धक्य बन जाता है, क्या बन जाता है, वार्धक्य बन जाता है। तो तारुण्य का विलोम होता है वार्धक्य, तरुण का विलोम होता है वृद्ध होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। के कहा है, अरे है कहां पे के, ओहो मेरे लालो आ गयो भाई, आपके बीच में आ रहा सर तम, बहुत ही छोटे छोटे सवाल आपके लिए, अब देखिएगा फिर से आपको यहां पर देखना है तम जो है, उस तम की बात करता हूं तो तम का जो विलोम आपसे पूछा, सबसे पहले हमें ध्यान ये होना चाहिए कि तम का जो अर्थ है वो आपका क्या होता है, बिल्कुल आगे चलिएगा, बताओ बताओ भैया तम का विलोम आपको बताना है जल्दी से। आपको आगे बताना है भैया तम, पानी पी लेते हैं, पानी है ही कोनी, पिया के बताओ, बोतल खाली है। राम राम सर गंगापुर सिटी से, हमारा नाम तो लिया करो, अरे यार मनीष से अभी तो लियो यार थोड़ी देर में, थारो नाम क्यों कौन लिया, मनीष को नाम ले लियो भाई, है ना। तम का मतलब क्या होता है मित्रों, अंधेरा होता है, क्या होता है लाला, अंधेरा होता है, अंधेरे को ही अंधकार कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना, और इसी अंधकार को हम तिमिर कहते हैं, तिमिर तिमिर। लेकिन आपसे पूछा गया कि सर इसका विलोम शब्द जो होता है वो कौन सा होता है, बीज बाब आ रहा भैया तम, तम को तिमिर कहा जाता है, ये मैंने कहा तम से तमगा, तमगा तो भैया नहीं होता और तम से तेज नहीं होता, तो तम का मतलब क्या होता है मित्रों, प्रकाश होता है, आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, तम का मतलब आपका कौन सा सवाल, ये जो सवाल था वो आपका कौन सा था भैया, एक बार सवाल की संख्या लिख देता हूँ, 15 नंबर तो ये था और फिर 16 नंबर आपका ये था, कौन सा था, 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये था। उसके बाद में हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अब देखो पक्ष का विलोम आपसे पूछा गया, अब भैया टाइपराइटर ने भी भाई कंजूसी कर दी थोड़ी सी क्वेश्चन में, बिल्कुल ये किसने लिखा, चिनू कह रही है सर प्रकाश आलोक ज्योति, बहुत बढ़िया शाबाश बच्चे, यहां पर आपसे पूछा गया कि सर पक्ष है उसका विलोम शब्द आपको बताना है, ये तो सिंपल सा ही है, सपक्ष लिखा है, विपक्ष लिखा है, अपक्ष लिखा है और सापेक्ष लिखा है, तो यहां पर आपसे ये पूछा गया कि पक्ष, किसी का पक्ष लेना और किसी का विरोधी हो जाना, दोनों में क्या है भाई अंतर है, किसी का पक्ष लेना तो किसी का क्या कर लेना, विरोध करना, दोनों का यहाँ पर अंतर है। शर्मा जी थारो भी नाम ले लियो भैया, थे तो कमेंट ये भी करो, है ना, थे तो कमेंट करोगा तो नाम तो थारो ले लिया, है ना, गिनती घटा पर सबका नाम ले लिया, तो यहाँ पर इसका जो विलोम हो जाता है मित्रों, इसके विलोम की बात करेंगे तो पक्ष का क्या हो जाता है आपका विलोम आपका हो जाता है सर, पक्ष का आपका हो जाता है विपक्ष हो जाता है, तो बी आंसर जिन लोगों ने बताया, आशा ने, चिनू ने, सरोज ने, पिंकी ने, हनुमान ने, प्रेम ने, और ये शर्मा जी ने, रॉयल ने, सारे टावरा ने बताया। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने 18 नंबर सवाल देखिएगा, 18 नंबर सवाल की अगर बात करी जाएगी सर, लौकिक जो है, अभी थोड़ी देर पहले बता के गया था
कि आपको क्या करना है, लौकिक जो है कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है मित्रों, लौकिक जो है, इस लौकिक में अगर आपके सामने अगर इसका विग्रह करूं तो क्या हो जाता है मित्रों, लोक में आपका क्या आ जाता है, एक प्रत्यय आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, एक प्रत्यय आ जाता है और उसका क्या हो जाता है साथियों, अलौकिक आपका हो जाता है, ध्यान में रखना। अलौकिक का विलोम आपसे पूछा गया और ऑप्शन में आपको क्या दिया गया, हाँ ऑप्शन में देखो कोई बच्चा तो ए बता रहा है और कोई बच्चा भैया बी बता रहा है, तो कोई बता रहा है भूलोक बता रहा है, तो कोई अलोक लौकिक बता रहा है। तो आंसर आप सब लोगों से मैं चाहूंगा 18 का के, अरे यार के भाई थारो नाम ले लियो, तू तो मारी लाडली छोरी है ना, ठीक है। आगे देखो यहां पर देखिएगा लौकिक, लौकिक के नाम करते हैं, तू थी काम पर तो मुझे दिख जाए तो तेरी पिटाई करूंगा मैं, ना तेरी पिटाई करूंगा, तू दिखी नहीं कई दिनों से। तो लौकिक की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है मित्रों, अलौकिक आ जाता है। क्या आ जाता है, अलौकिक आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आ जाता है, अलौकिक आपका आ जाता है। लोक का हमने किया विग्रह, क्या किया, लोक का हमने किया विग्रह। प्रमोद चंद मीणा जी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, संजना भी बी बता रही है, कुछ बच्चों ने सी कहा तो कुछ बच्चों ने बी कहा। अब सुनो ध्यान से, अगर आपका शब्द आता है सर यह लोक, यह लोक, तो इसका क्या हो जाता है साथियों, परलोक हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, परलोक हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना। तो यह लोक आए तो परलोक हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों जो है आपके आपस में क्या है, प्रायवाची पद है, लेकिन लौकिक का भाई क्या हो जाता है आपका, अलौकिक हो जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, अगला सवाल आपके सामने और 18 के बाद में अब आ जाता है सर 19 नंबर सवाल। सवालों की संख्या भाई है कमी है ना, कुछ आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी मैं आपको कुछ शब्द में और लिखवा दूंगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ अनुरक्ति, क्या लिखा हुआ सर आपका, अनुरक्ति लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ मित्रों, अनुरक्ति, तो आपको ध्यान में रखना है अनुरक्ति में एक ही मात्रा लगी है। अगर अनुरक्त आए तो आपको क्या करना है, है ना, अनुरक्त आए तो आपको क्या करना है, और अनुरुक्ति आए, रक्ति आए तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रख लीजिएगा। बताओ भैया उत्तर बताओ, उत्तर बताओ, कोई तो भक्ति कह रहा है, कोई विरक्ति कह रहा है, तो कोई आपका आसक्ति कह रहा है, ठीक है, बताओ भैया। बहुत बढ़िया, आपसे अच्छा तो ये आते ही अपने ऑफर चेप देता है ना, थारों बढ़िया, तो भैया जल्दी जल्दी आपको काम कर दे, थे भी कर दे करो, है ना। पिंकी कह रही है सर के, अरे के यतन, जय श्री राम मिस्टर सोम। संजना बी कह रही है, बी कह रही है, बी कह रही है, चलो भैया। विरक्त इसका होता है मित्रों, विरक्त होता है, क्या होता है सर, विरक्त होता है, तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, विरक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, विरक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, विरक्ति हो जाएगा। अरे विरक्ति ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बे नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चलिएगा। अब यहां पर देखो अल भैया, सवाल तो अपना पूरा हो गया, यानी कि इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है भैया वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। बताओ 5-7 मिनट आपको कुछ विलोम शब्द लिखा दूं क्या, और 5-7 मिनट प्रश्न पूरे हो गए तो मैं आपको क्या लिखवा देता हूं, कुछ विलोम शब्द और है वो आपको लिखवा देता हूं। कल जो मैंने लिखवाए थे उन विलोम शब्दों की बात करें तो आज भैया कुछ विलोम शब्द जो है और लिख लीजिएगा ना, कल हमने लिख लिया उसको छोड़ते हुए कुछ विलोम शब्द अपने क्या करेंगे और लिख लेंगे, तो कुल मिलाकर भाई अपने अच्छी तरीके से लिखते हैं, जैसा जो आपने लिख दिया उनको छोड़ देना, 5 मिनट और विलोम शब्द लिखेंगे, है ना। देखो पहला विलोम शब्द आज का आ जाता है आपका साथियों, अथ हमने लिख दिया था तो उत्कर्ष अपकर्ष लिख दिया था, अगला लिखिएगा आदि, तो आदि का क्या आ जाएगा लाला, आदि का आ जाएगा अंत, ये सिंपल सिंपल आते हैं उनको लिखते जाना। 2 नंबर पर अपने बात करेंगे, अगर आपसे पूछे कि आलस्य का क्या विलोम होता है मित्रों, तो आलस्य का विलोम होता है मित्रों आपका सफूर्ति होता है, क्या होता है सफूर्ति होता है। अगला विलोम लिखिएगा, प्रश्न खत्म हो गए, प्रश्न कल लेकर आऊंगा लेकिन विलोम लिखिएगा, ठीक है। उत्थान का क्या लिखना है आपको, पतन लिखना है, उत्थान का पतन लिखना है, कॉपी में नोट कर लो सारे के सारे बच्चे। 4 नंबर पर अपने बात करेंगे तो 4 नंबर पर देखिएगा साथियों, अधिक, अधिक का क्या विलोम हो जाएगा मित्रों, अधिक आपका हो जाता है न्यून, क्या हो जाएगा न्यून। 5 नंबर पर अपने बात करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, खेद, और खेद का क्या हो जाएगा लाला, खेद का हो जाता है प्रसन्नता, बात बाद में करूंगा लास्ट में आप सबसे, आगे चलिएगा। उसके बाद में आपका क्या करना है सर, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है मित्रों, परोक्ष हो जाता है, परोक्ष,
प्रत्यक्ष जो सामने है, परोक्ष का मतलब जो दूर है, ठीक है। सात नंबर पर देखिएगा, सात नंबर पर अपने बात करते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और सजीव घात प्रतिघात, ये लिखिएगा, घात और घात का क्या हो जाता है मित्रों, प्रतिघात हो जाता है। अरे आलस मत कर लेना, लिख लेना, जिड्डी में तो यहीं से आएगा, मैं बता रहा हूं, जिड्डी में तो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहीं से आएगा। अगला है आपका मितव्यय, और इसका क्या हो जाता है, आपका अपव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, अपव्यय हो जाता है। नौ नंबर पर मितभाषी का अपभाषी हो जाता है, और उसके शास्त्र में आपको ध्यान में रखना है, नूतन, नूतन नया होता है, तो पुरातन क्या होता है लाला, पुरातन पुराना होता है। दस नंबर पर अगर अपने बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाता है, आगामी, आगामी का मतलब क्या होता है, आगम लिख दो, आगम का मतलब आगामी, और आगम उसका मतलब गत, गया हुआ, ध्यान में रखना। 11 नंबर पर अपने बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है अर्थ, तो अर्थ का तो क्या हो जाता है भैया, अनर्थ, हमने कहता है ये तो अनर्थ हो गया, वही है अर्थ का, अनर्थ हो जाता है। 12 नंबर पर अपने बात करेंगे तो दाता जो होता है वो देने वाला होता है, तो इसका क्या आ जाएगा लाला, याचक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, याचक आ जाएगा। और 13 नंबर पर अपने बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, घृणा तो प्रेम लिखा दिया था, तो गुप्त आ जाता है गुप्त, और गुप्त का विलोम हो जाता है मित्रों प्रकट करना, क्या हो जाता है, प्रकट करना हो जाता है। एक लाइन और लिखो भैया, ठीक है, आगे लिखेगा। 14 नंबर पर अपने बात करते हैं, आहार का निर्हार लिखिएगा, आहार हमने नहीं लिखा था पेज में, जो हमने नहीं लिखे हैं उनको लिखवा रहा हूं, निराहार हो जाता है, निराहार हो जाता है, अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। 15 नंबर पर अपने बात करते हैं तो इस तरीके से अनुराग का विराग हमने लिखा था, अनुज का आपको लिखना है अग्रज, अनुज का अग्रज आपको लिखना है, क्या लिखना है, अनुज का अग्रज, और इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर पर आपके सामने क्या आ जाता है, और यह जो आपके सामने 16 नंबर पर आपके सामने आ जाएगा, एक, एक का विलोम क्या होता है लाला, एक का विलोम होता है अनेक, क्या होता है, एक का विलोम होता है अनेक होता है ना। बस 5-7 मिनट और लिखाऊंगा, बस जितने भी शब्द मैं लिखा रहा हूं उनको पढ़ लेना। आदान का क्या हो जाता है मित्रों, आदान, तो आदान का आप लिखोगे साथियों प्रदान करना, आदान का प्रदान करना। 18 नंबर पर लिखिएगा क्रिय का विरक्त, निरक्षर, निरक्षर लिखिएगा, और निरक्षर का क्या हो जाएगा लाला, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, क्या, साक्षर हो जाता है। 19 नंबर पर अपने बात करेंगे तो 19 का आ जाता है सर रक्षक, और रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक भक्षण करने वाला, रक्षक और क्या हो जाता है मित्रों, भक्षक हो जाता है। सर 20 नंबर पर अपने बात करेंगे शुभ का अशुभ हो जाता है ना, आतुर, आतुर होना। आशीर्वाद लिखिएगा आशीर्वाद, और आशीर्वाद का क्या हो जाता है मित्रों, अभिशाप, अभिशाप हो जाता है आशीर्वाद का, ध्यान में रखना, क्या हो जाता है आशीर्वाद का अभिशाप यहाँ पर हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका शब्द लिख रहा हूं मैं नीचे, तो भैया इस पेज पर आप 20 पर्यायवाची लिख चुके हैं, आराम से इनको नोट करो फटाफट, ठीक है, बस कुछ और लिख लो। चलें क्या बताओ आगे, और अगले पेज पर और लिख लो कुछ, अगले पेज पर भैया एक पेज और बना लो, ठीक है। यानी कि 21 पर अपने बात करते हैं तो 21 की बात करेंगे, आपके सामने हर्ष लिखेगा, हर्ष, हर्ष होती है भैया खुशी, तो शोक होता है भैया दुख, क्या होता है, शोक होता है दुख। और 22 नंबर पर आप लिखोगे सर, यहाँ पर लिखना है ईश्वर, उग्र, उग्र का लिखिएगा सौम्य, उग्र का क्या लिखोगे मित्रों, आप लिखोगे सौम्य। इसके साथ में आपका 23 नंबर पर, और 23 नंबर की बात करते हैं यहाँ पर तो औरत आपका आ जाता है, तो औरत का विलोम होता है भैया क्या, आपको पता है औरत का आ जाएगा मर्द, क्या, मर्द आ जाएगा। और 24 नंबर पर अपने बात करते हैं तो जल, जल का क्या आ जाएगा लाला, जल का आ जाएगा आपका थल, आपको ध्यान में रखना। और 25 की अगर अपने बात करेंगे तो 25 में आपका जन्म आ जाता है, और जन्म का तो आपको पता है भैया क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, क्या, मृत्यु। और इसके साथ में आपके सामने क्या है, अवगत, 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 और इसका क्या आ जाता है सर, सुगत आ जाता है, क्या, सुगत आ जाता है। और 27 नंबर पर अपने बात करते हैं तो धीर, धीर का क्या आ जाता है, पहले जंगली लिखिएगा, जंगली लोग जो होते हैं उसका क्या आ जाता है, पालतू आ जाता है, पालतू,
और 28 नंबर पर अपने बात करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाता है, मिलन। मिलन ये दो प्रेमियों का मिलन और उसका क्या हो जाता है सर, विछोह, बिछड़न पड़ गयो, ठीक है, विछोह। तो अगला देखिएगा साथियों, यहाँ पर 27, 28, 29 की बात करेंगे तो कुल मिलाकर आपका क्या आ जाता है, पंडित। पंडित का क्या हो जाएगा भैया, मूर्ख हो जाता है। पंडित का क्या हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। इसकी तरीके से आपका 30 नंबर जो है उसका भूत, अरे भूत ड्रान और भूत नहीं, भूत का भविष्य हो जाता है, जो पहले चला गया वो भूत है, भूत वो नहीं है, ठीक है, ड्रा दे चुको था ना, भूत है ना। इसके बाद में देखिएगा अग्नि, ठीक है, अग्नि का क्या आ जाता है, अग्नि आए तो जल आए, जल का आए तो थल आपको कर ही देना है, चिंता मत करिएगा। यानी कि इसके साथ में आपको क्या करना है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, सूक्ष्म का क्या होता है मित्रों, स्थूल होता है, ये शायद लिखवा दिया था मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लीजिएगा। और 33 की अगर बात करी जाएगी तो आपके सामने क्या आ जाता है, उषा जो है ऋणी, ऋणी ऐश्वर्य का दरिद्र, कंकाल का शरीर आ जाता है, कंकाल का क्या आ जाता है मित्रों, शरीर आपका आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 34 की अगर मैं बात करूं, 34 की बात करता हूं तो आपका कंपन आ जाता है, कंपन आ जाता है, कंपन, ठीक है, कंपन की बात करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा बताओ भैया, ठीक है, कंपन के बारे में बात करेंगे तो स्थिर हो जाता है इसका। और इसके बाद में 35 की बात करेंगे तो आपको याद करना है फटाफट, कंटक, कंटक का मतलब होता है कांटा, और इसका क्या हो जाएगा फिर पुष्प हो जाता है, पुष्प, ठीक है। और आज 5 और लिख देते हैं, बाकी कल हम कुछ और लिखेंगे। 36 की बात करते हैं तो उसके बाद में लिखिएगा आप कपाल और करतल, अगला लिखिएगा करतल, तो करतल का मतलब हो जाता है पद तल, ठीक है, सुनना ध्यान से आराम से, जितने भी साथी बचे हुए हैं अब मैं आप सबके कमेंट भी लेने वाला हूँ और अच्छी तरीके से, ठीक है। विशिष्ट, और विशिष्ट का विलोम हो जाता है आपका सामान्य, क्या हो जाता है मित्रों, आपका सामान्य होता है। और इस तरीके से आपका 38 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 38 नंबर आपके बीच में यहाँ पर लिखिएगा। और बढ़िया बढ़िया लिखाता हूँ, है ना, घनेरा, घनेरा, घनेरा का हो जाता है सर नगण्य, सॉरी, घनेरा का क्या हो जाता है मित्रों, नगण्य हो जाता है, क्या हो जाता है, नगण्य। और यहाँ पर 39 नंबर जो है वो आपका हो जाता है घायल, और घायल का क्या हो जाता है, कहते हैं ना घायल सर, घायल का हो जाता है सर दुरुस्त, क्या हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है ना। और आज का अंतिम, और ये रहा सर अंतिम, और लोहे का क्या हो जाता है मित्रों, स्वर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है मित्रों, आपका स्वर्ण हो जाता है। और इस तरीके से मैंने आपके बीच में क्या लिखवा दिए, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे जो है वो आपको लिखवा दिए हैं, 40 पर्यायवाची और कुल मिलाकर 140 पर्यायवाची, 40 पर्यायवाची कल की कक्षा में लिखाऊंगा, आपको ध्यान में रखना, ठीक है, 40 पर्यायवाची वो आपको है कल की कक्षा में लिखाए जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। कितने बच्चे बैठे हैं भैया लाइव, एक बार मैं सबको देख लेता हूँ और फिर अपने क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब बताओ भैया, ये 40 पर्यायवाची आपने लिख लिए क्या, नहीं लिखे हैं तो पीडीएफ में से देख के लिख लेना, क्या कर लेना, पीडीएफ में से देख के लिख लेना। तो अब हम आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, उसी तरीके से जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो तो नोट कर लेना, जिनको ये लगता है कि फालतू का काम है वो बिल्कुल भी मत नोट करना, ठीक है। और अंत में आपको बहुत बहुत आभार, आपने अपना इतना समय, कीमती समय जो दिया, लिख लिया क्या 40, बताओ किस किसने लिखा है, आज तो मैथ की क्लास क्यों नहीं लगी, अरे शर्मा जी जो लग रहा है ना वो पढ़ लो, ना लगी तो कल लग जाए, चिंता मत करिएगा, है ना, जो नहीं लगा वो कल लग जाएगा, अभी लाइक करो, अब सारा सारा लाइक कर दो भाई, ये सर रिप्लाई दे दो, शर्मा जी रिप्लाई देना आ रहा हूँ भैया, और क्या रिप्लाई दूं, घरे आगे दूं तो बता दे एड्रेस, घरे आ जाऊंगा, है ना, ठीक है। सब लोग बताओ कौन कौन जुड़ा और कहाँ से जुड़ा, वो तो हमेशा गुड नाइट सर जी, भैया वेरी वेरी गुड नाइट, थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी कि अब आपको हमेशा ही ध्यान में रखना कि वो चार पंक्तियां हम कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, सुन लेना ध्यान से कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को फकीर बना देता है। ये कह रहा ना कि वो कोनी हुई वो कोनी हुई वो कोनी हुई, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को फकीर बना देता है, और वक्त की कदर करना है बंदे, वक्त कोयले को कोहनूर बना देता है। और
अब वक्त ऐसा चल रहा है कि हर कोयला अब कोहिनूर बनेगा, हर कोयला अब कोहिनूर बनेगा। आज की इस कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ये मेरी बढ़िया सबसे बढ़िया टैगलाइन है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना जरूरी है। और आप पाना चाहते हो एसएससी जीडी के मंजिल, तो आप जुड़े रहिएगा इसी तरीके से अपनी मंजिल को पाने के लिए, लगातार जुड़े रहिएगा और आप सभी साथी जुड़ जाए। तो हम तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे थे कि सर यहां पर देखिएगा जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, महेंद्र सोलंकी बीकानेर से राम राम भैया चलेगा। सर अनुकूल जो है उसका विलोम आपको बताना है, यानी कि कुल मिलाकर अनुकूल शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहां पर देखिएगा साथियों क्या लिखा गया है, अनुकूल जो है इसका आपसे पूछा गया साथियों इसका विलोम शब्द क्या होता है, ध्यान में रख लेना। बिल्कुल गंगापुर सिटी से और जय बजरंग बली मधु कीचड़, सुनीता भांबू जी और वंदना प्रजापत, मम्मी गोपरो, उत्तर बताओ भैया। पहले का आंसर आपको बताना है कि अनुकूल जो है यहां पर लिखा गया प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन और सह अनुकूल। सह अनुकूल का मतलब तो अनुकूल सहित होता है, ठीक है, और अनुकूलन एक अलग तरीके का अनुकूलन शब्द है, उसमें जोड़ दिया। यानी आरोही कह रही है सर ए हो जाएगा, पिंकी शर्मा भी कह रही है वेरी गुड इवनिंग पिंकी बच्चा, आराम से सुनिएगा। यानी कि यहां पर देखिएगा अनुकूल का जो हो जाता है वो हो जाता है प्रतिकूल जो है वो आपका हो जाता है। अनुकूल को किस नाम से जाना जाता है, अनुकूल को प्रतिकूल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि सबसे पुराना सवाल आपका हो जाता है। अगले सवाल की बात करूं सर, दूसरा जो सवाल है जिसमें आया सर अतिवृष्टि, इसका विलोम आपको बताना है। अतिवृष्टि की अगर बात करी जाए तो यहां पर अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो क्या होता है, यानी कि आपको यह कहा गया अतिवृष्टि का विलोम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है साथियों यहां पर शुष्क है, फिर है बहुवृष्टि, और यहां पर है आपकी क्या बंजर है, और आपकी है अनावृष्टि, उत्तर बताओ। सेकंड नंबर का सवाल यहां पर, हां जी पिंकी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, आराम से जुड़ो। अब देखो यानी कि पहला जो क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा जो क्वेश्चन है अतिवृष्टि जो शब्द है उसका विलोम आपको बताना है, जल्दी बताओ। हां जी पार्वती जी वेरी गुड इवनिंग, और यहां पर एक बच्चा डी बता रहा है, सोनू डी बता रहा है, एमके डी बता रहा है, रिंकू बच्चे भी आ चुकी है, और आरोही प्रकाश सब बच्चे डी कह रहे हैं। चलो भैया गुरुजी आज राम राम कौन ही करोगे, अरे भाई सुमन कासनिया जी हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रणाम आपको कर लिया है ना। सर जी हिंदी व्याकरण तैयारी ऐप से यूट्यूब पर पढ़ाते हो क्या, कितने बजे पढ़ाते हो, उसमें मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। मनीष मीणा जी भैया ब्लॉक हो जाओगा, फिर अगर ढंगा कमेंट ना करोगा तो ब्लॉक ही हो जाओगा, है ना, ध्यान रखियो, ठीक है, चलिएगा ध्यान से। अब मैंने यहां पर कहा सर अतिवृष्टि का मतलब होता है सर ज्यादा वृष्टि होना, तो ज्यादा वृष्टि का विलोम आपको करना है तो क्या करना है मित्रों, कम वृष्टि करना है, क्या करना है, कम वृष्टि करना है। तो यहां पर इसका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा साथियों, अनावृष्टि हो जाता है। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है साथियों, अनावृष्टि होता है, ठीक है, अनावृष्टि आपका हो जाता है। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है इसका आंसर हो जाता है। देखो आविर्भाव जो है इसका विलोम आपसे पूछा गया, आविर्भाव जो है उसका विलोम आपको बताना। सबसे पहले मैं इस आविर्भाव के शब्द की क्या कर देता हूं साथियों, ठीक है, यानी कि यहां पर अपने बात करते हैं साथियों आविर्भाव जो शब्द है उसका सबसे पहले अपने क्या करते हैं मित्रों, संधि विच्छेद करते हैं। आविर्भाव की संधि की अगर बात करी जाएगी तो आवि विसर्ग क्या हो जाता है साथियों, भाव हो जाता है। जल्दी से मुझे बता दो इसमें संधि कौन सी लगती है और इसका विकल्प बता दो कौन सा होता है, बिल्कुल यहां पर आंसर मुझे बताना है। तीन नंबर सवाल का आंसर क्या होता है, तीसरे सवाल का आंसर, बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल आराम पढ़ा से भाई, कोई जल्दबाजी को नहीं। अरे आविर्भाव में संधि बताओ कौन सी है, आविर्भाव में संधि बताओ सबसे पहले। यहां पर आविर्भाव में सर यहां पर हमें दिखाई दे रही है विसर्ग, तो संधि का नाम तो कौन सा हो जाता है लाला, संधि का नाम तो हो जाता है सर विसर्ग संधि,
आपके एसएससी जीडी में संधि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें संधि जो है वो कौन सी यहां पर हो जाती है। सर विस्तारक संधि हो जाती है, ये राम किशोर गोदारा जी ने आपको बताया। अब देखो हमें क्या करना है सर, आविर का जो विलोम होता है ना वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, आविर का जो विलोम होता है वो होता है सर तिरह। क्या होता है मित्रों? तिरह इसका विलोम होता है। और जब आप इसी तिरह में क्या जोड़ दोगे सर, भाव जोड़ दोगे, तो शब्द है वो क्या बन जाएगा, तिरो भाव बन जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि आविर्भाव का विलोम है वो क्या होता है। सर आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है आपका यहां पर तिरो भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? तिरो भाव। तिरो भाव का मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल हाँ, मन हिंचकी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल हिंचकी आ रही है ना, ठीक है। अब यहां पर उत्तर अगला जो है सर, किसी की वजह से मुझे भी ब्लॉक कर दिया ना भैया, किसी की वजह से कौन है, आप किसकी बात करें मुझे ऑफलाइन कमेंट करना, फिर मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। अब हम चौथे सवाल की अगर बात करते हैं, और चौथा सवाल जो आपका है वो कि सहोद्र का विलोम आपको बताना है। आप मुझे सबसे पहले बताओगे साथियों कि सहोद्र का विलोम क्या होता है, फिर आपको सह धन उद्र में संधि बतानी है कौन सी होती है, सह धन उद्र में संधि बतानी है कौन सी होती है। अब आराम से पढ़ो, अरे आराम से पढ़ा रहा हूं तो और कितना आराम से पढ़ाऊं, है ना, बिल्कुल। सहोत्र में संधि बताओ कौन सी है, बताओ उत्तर, बताओ जल्दी से उत्तर, संधि का नाम बताना है, संधि का नाम। उत्तर आ रहा है यहां पर डी, यहां पर बच्चा कह रहा है सर गुण संधि। हाँ बिल्कुल सही बात है, रिंकू की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया टाइम ज्यादा हो गया ना, तो याद तो करेंगे, चिंता ना करो। उत्तर अभी किसी का नहीं आया, हाँ एक उत्तर आया कि संधि इसमें होती है गुण। चौधरी ओमिजाट कह रहे हैं जी गुरुजी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। उत्तर सी बता रहे हैं, लेकिन अभी बात करते हैं कि इसका उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलो देखो, देखो साथियों, सह धन उद्र की अगर बात करी जाएगी तो लाला लोगों ने बताया सर गुण संधि। सहोद्र का भाई क्या होता है मित्रों? सहोद्र शब्द का अर्थ होता है भाई। भाई जो है वो कौन सा भाई सर? एक ही उधर से जन्मा। अरे कुधर कैसे हो जाएगा, उधर तो पेट होता है, उधर तो पेट होता है, ये नहीं हो सकता, अधर नहीं हो सकता। और पर उधर का मतलब क्या है सर? पर उधर का मतलब है जो दूसरे उधर से जन्मता है उसे पर उधर कहा जाता है। यहां पर भाई नहीं है, यहां पर भाई नहीं है। गुण संधि के साथ साथ में बिल्कुल रामगढ़िया जी, परमजीत जी रामगढ़िया भी जुड़े हैं, चलेगा। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर आंसर आपका हो जाता है, सहोद्र का विलोम होता है सर पर उधर होता है। क्या होता है? पर उधर होता है। पांचवा सवाल आपके लिए सर उत्तरार्ध जो शब्द है, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए कि सर उत्तरार्ध जो शब्द है, इस उत्तरार्ध शब्द की अगर बात करी जाए तो यहां पर कौन सी संधि लगती है वो भी बता दो। सर यहां पर देखिएगा, आपके सामने शब्द आया सर उत्तरार्ध, और उत्तर धन क्या होता है? इसका अर्ध होता है। जल्दी से बताओ कौन सी संधि लगी और इसका विलोम क्या है, जल्दी बताओ, आराम से बताना। उत्तरार्ध का विलोम शब्द आपको बताना है जल्दी से। जपेंद्र भाई कह रहे हैं सर इसमें गुण संधि लगेगी, उत्तर भी है। मेरा नाम लीजिए यदुवंशी, नाम ले लिया भैया, बिल्कुल यदुवंशी जी क्लास लाइव ही है भैया, चिंता ना करें। तृप्त हो गया, बताओ दीर्घ संधि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उत्तर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। उत्तर भी कौन दे रहा है भैया? कोई बात नहीं, हाँ आपकी आंखें दर्द करिए, रात को जागरण में थे आप, चलिएगा। सर यहां पर बात करी जाए तो इस शब्द में आपकी कौन सी है सर? दीर्घ संधि है,
और इस दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो भाई आपको क्या ध्यान में रखना है, दीर्घ संधि की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यह लो जी आपका उत्तरार्ध जो शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा मित्रों, सर पूर्वार्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्वार्ध हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट सुना है सर, हाँ ये कई ऐसे विलोम है जो हमने पहले नहीं सुने हैं, अगला आपके सामने ये रहा, देखिएगा अवर, अरे अवर का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना, यानी कि अवर जो है इसका मतलब या तो होता है सर छोटा, और या फिर आप इसको क्या कह सकते हो मित्रों, कनिष्ठ कह सकते हो, यानी आपको क्या बताना है अवर का विलोम शब्द बताना है, बिल्कुल शुभ रात्रि बच्चा, यानी कि आपको मैं बता देता हूं कि अवर जो शब्द है उसका विलोम आपको बताना है, आरोही राजपूत बी जवाब दे रहे हैं, रिंकू जाते जाते बी जवाब दे रही है, हाँ आगे उसके बाद में देखिएगा, कुल मिलाकर राहुल जो है मेघवंशी ए जवाब दे रहा है ही नहीं भैया इधर, उसके बाद में अपने बात करी जाए छह का भी आपके सामने आ रहा है, बावड़े हो गए भैया सब लोग, आगे चलिए, यानी कि हम बात करते हैं अवर, अवर का विलोम होता है सर परवर, हे परवर दिगार, और परवर दिगार क्यों कहा जाता है मित्रों, हे परवर दिगार क्यों कहा जाता है, अरे परवर का मतलब क्या होता है साथियों, बड़ा होता है, परवर का मतलब होता है साथियों श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ क्या होता है श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा साथियों आपका बे नंबर जो आंसर है वो हो जाता है, यानी कि दुर्बोध का विलोम आपसे पूछा है, सातवां सवाल आपका ये कह रहा है कि सर दुर्बोध का विलोम आपको बताना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दुर्बोध शब्द की अगर बात करी जाएगी तो साथियों दुर्बोध जो शब्द जो आपका है उस दुर्बोध शब्द की अगर बात करी जाए, हम इस दुर्बोध को बिल्कुल शिव पुरोहित बाड़मेर जी कह रहे हैं सर यहां पर विसर्ग संधि का नियम लगता है, बहुत बढ़िया, यानी कि इस शब्द में संधि जो लगती है, दुर्बोध का विलोम आप क्यों बता रहे हो भाई ये दलित है ना, आगे चलेगा, दुर्बोध में आपकी संधि लगती है साथियों, दुर उपसर्ग है और बोध आपका यहां पर शब्द है, और दुर को हम क्या लिखते हैं सर दूर लिखते हैं, और यहां पर आ जाएगा आपका बोध आ जाएगा, क्या आ जाएगा मित्रों बोध आ जाता है, क्या आ जाता है बोध, यानी संधि तो कौन सी लगी सर विसर्ग लगी, लेकिन दुर्वध का आशा चौधरी ने बताया कि सर इसका आंसर सब बच्चों ने बताया सर सुबोध होता है, और सुबोध में कोई भी संधि नहीं है, सुबोध जो है वो आपका सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपका होता है, सु यहां पर उपसर्ग है तो यहां पर दुर भी क्या हो जाता है आपका उपसर्ग हो जाता है, ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आपका आठवां सवाल है वो क्या है, आठवें सवाल की अगर बात करी जाएगी साथियों, आठ नंबर प्रश्न क्या है अवनत, कि अवनत का विलोम क्या होता है, अवनत और अवनत का विलोम क्या होता है सर, अवनत का मतलब क्या होता है सर पतन होना, अवनत का अर्थ क्या होता है मित्रों सर पतन होना, और अवनत का विलोम होता है मित्रों पतन होना, यानी कि आपके सामने अवनत का विलोम आपसे पूछा गया, और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा गया, हम तो एक छोटे से लेवल के एसएससी लेवल की बात कर रहे हैं, और इस एसएससी लेवल के सवाल की बात अगर करें तो यहां पर देखिएगा, हाँ अब करो जीत की तैयारी, एसएससी से अब की बार आपकी नौकरी होगी पक्की, यानी अवनत जो है उसका जो विलोम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा लाला सर उन्नत आ जाएगा, क्या आ जाएगा उत्धन नत से बनता है ये शब्द, कैसे बनता है मित्रों उत्धन नत से बनता है, उत्तधन नत से यह जो शब्द है वो आपका बनता है, ध्यान में रख लेना, नवीन सर क्लास के बाद में बात करता हूं है ना, ठीक है, यानी कि आपका जो यह शब्द जो दिखाई दे रहा है, क्लास के बाद में करूं सर आपको कॉल, ठीक है, यानी कि आपके सामने देखिएगा कि उत्तधन नत से उन्नत बनता है, क्या बनता है उत्तधन नत से उन्नत बनता है, और यहां पर उन्नत इसका क्या हो जाता है सर विलोम हो जाता है, आठ का आंसर सी हो जाता है, बिल्कुल ये तपेंद्र भाई कह रहा है सर उत्तधन नत में संधि कौन सी, बहुत बढ़िया बच्चे इसमें व्यंजन संधि है, यानी तय के बाद में पांचवा आया तो आप तय का पांचवा न हलंत करते, और ये रहा न हलंत, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों, अगला सवाल आपके सामने देखिएगा, अगले सवाल की अगर बात करें सर नाइन नंबर का जो सवाल है सर, यहां पर देखिएगा व्यास जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपको बताना है, व्यास शब्द के विलोम शब्द की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो भैया बताना है सर व्यास का
विलोम शब्द आपका क्या होता है। चलिएगा सर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सर व्यास जो आपका होता है इसका हम अगर विग्रह करें कौन सी संधि से, वेधन आस, कौन सी संधि लाला, यण संधि, और जो यण संधि होती है एग्जामिनर की इलू इलू संधि होती है। कौन सी संधि होती है? एग्जामिनर की इलू इलू संधि होती है, ठीक है। यानी कि आपके जो वेधन आस है उससे आपका यण संधि से व्यास बनता है। अरे संधि नाश ही तो पढ़ ले तो, ठीक है, संधि समास को नहीं आवे, ठीक है, नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सर व्यास का मतलब क्या होता है, जो विस्तृत हो, जो फैला हो, जो विस्तृत हो, जो फैला हो, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है साथियों, यहां पर देखिएगा, समास का मतलब क्या आ जाता है सर, जो विस्तृत हो, क्या हो सर, जो विस्तृत हो। यहां पर लिखा गया सर संक्षेप, ठीक है, यहां पर लिखा गया समास, और यहां पर लिखा गया सर लघुता, और यहां पर लिखा गया सर संश्लेषण। उत्तर बताइए, नो का भी आ रहा है सब बच्चों का, बहुत बढ़िया। यानी कि व्यास जो है उसका विलोम शब्द मैंने आपको करवाया था, और व्यास का विलोम क्या होता है लाला सर, समास होता है, संधि का समास नहीं होता, ध्यान में सुनना। यानी कि ये जो व्यास है इसका विलोम जो होता है उसकी बात अगर करी जाए तो संधि का जो यहां पर होता है वो क्या होता है साथियों सर, समास होता है। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, ये आपका जो समास का जो विलोम है वो क्या है सर, व्यास है। हाँ, और इसके साथ साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि साथियों संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है, मित्रों संधि का जो विलोम होता है वो होता है साथियों सर आपका कौन सा होता है, समास नहीं होता है भैया, यही बता रहा था मैं आपको कि सर इसका विलोम होता है वो विग्रह होता है। तो समास का विलोम क्या होता है साथियों, समास का विलोम होता है व्यास, व्यास का विलोम होता है समास। आंसर आपका क्या आ जाता है सर, यहां पर आपका आ जाता है संक्षेप का आ जाता है सर विस्तार, ठीक है, यहां पर ध्यान में रखना। लघुता का क्या आ जाता है साथियों, गुरुता आ जाता है, और संश्लेषण का क्या आ जाता है मित्रों सर, विश्लेषण आ जाता है। यानी एक ही पेज पर आप सारे के सारे के क्या समझ लो, विलोम शब्द आपको यहां पर समझ लेना है। हाँ, संधि का परसर्ग और अपसर्ग दोनों होते हैं, बिल्कुल। हाँ, आगे देखिएगा, आपको अगला जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी खिदमत में ये रहा साथियों। सर अगला जो सवाल है वो सवाल का नंबर भैया दे देता हूं मैं, 10 नंबर सवाल, ये लो जी आपका 10वां सवाल। और 10वें सवाल की बात करेंगे उन्मूलन, और उन्मूलन की अगर बात करी जाए तो उसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया, ठीक है, और इस विलोम शब्द की अगर बात करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाता है सर, यहां पर देखिएगा हम बात करते हैं लाला उन्मूलन शब्द की, क्या करते हैं मित्रों, उन्मूलन शब्द की अगर बात करेंगे तो उस उन्मूलन का विग्रह क्या होता है साथियों, उत्तधन मूलन होता है। क्या होता है? उत्तधन मूलन होता है। संधि कौन सी लगी साथियों, इसमें संधि जो आपकी लगती है वो लगती है व्यंजन संधि। कौन सी सर? व्यंजन संधि का ये विकल्प है आपका, ध्यान में रखना। यानी कि आपसे ये पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि इसका उदाहरण विग्रह कौन सा होता है, ठीक है, उन्मूलन का आरोपण दे रखा है, प्रति आरोपण दे रखा है, रोपण दे रखा है, और संश्लेषण दे रखा है। फिर से दसवें का सी जवाब आ रहा है यहां पर वंदना कुमारी की ओर से, और उम्मीदवार तो पिछले में पड़े हैं, सोनू कुमारी सोनू सी जवाब दे रही है, राम किशोर सी, तनु गोदारा जी, तनु खिंची जी सी जवाब दे रहे हैं, और पार्वती जी सी जवाब दे रहे हैं, संजू अनिल व्यंजन संधि बता रहे हैं भैया। और अब देखिएगा कुल मिलाकर आपका इस सवाल का जो आंसर हो जाता है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, मूल से ही उखाड़ देना, ठीक है, उन्मूलन है, तो इसका जो विलोम हो जाता है साथियों वो क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। क्या सर? रोपण जो है वो इसका विग्रह हो जाता है। तो ये रहा जी इसका सी नंबर आंसर, और आप सब लोगों के कहे मुताबिक मैंने क्या कर दिया सर, दसवें का सी जवाब आपको दे दिया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यह बहुत बढ़िया सवाल है, 11 नंबर सवाल की अगर बात करें, 11 नंबर जो सवाल है वो आपका ये कह रहा है लाला, 11 नंबर सवाल आपको ये कह रहा है कि प्रभावी जो शब्द है उसका कौन सा विलोम नहीं है। सवाल में थोड़ा सा चेंज है, सवाल में थोड़ा सा चेंज है कि आपके सामने प्रभावी जो शब्द दिया गया है उस प्रभावी शब्द का मतलब, यानी कि इसके 4 में से 3 ऐसे विकल्प है, उस 3 विकल्पों की अगर बात करी जाए
उन तीन विकल्पों की अगर बात करी जाए तो आपका क्या होता है साथियों, अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है और प्रयुक्त होता है और आपका प्रभाव शून्य हो जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलें इसके साथ साथ में देखो उत्तर बताओ, सी जवाब आ रहा है किसी का आ रहा है यहां पर सी जवाब। सर जी मैं पीछे रह गया, दो की स्पीड में आगे आ रहा हूं, बोल आजा भैया आजा जल्दी आजा, कोई बात नहीं। 11 का सी बता रहे हैं भैया तपेंद्र परमार, आरोही राजपूत बता रही है 11 का सी बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया शानदार सी जवाब सबका। अब सुनो प्रभावी का विलोम शब्द क्या है, नहीं है वो पूछा है। अब प्रभावी का विलोम होता है साथियों अप्रभावी, ठीक है। क्या होता है अप्रभावी होता है, अप्रभावी को हम निष्प्रभावी भी बोल सकते हैं, जिसका प्रभाव हो कम, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं सर प्रभाव शून्य, कि जिसका जो प्रभाव शून्य हो जाता है उसी का यह विलोम हो जाता है। क्या सर प्रभाव शून्य, यानी कि आपके सामने जो दिखाई दे रहा है सर जो अप्रयुक्त शब्द जो है वो इसका क्या हो जाता है सर विलोम नहीं है, बाकी ये तीनों जो शब्द है इसके क्या है विलोम है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। तो भाई साहब 11 का सी नंबर जो जवाब आप सब लोग दे रहे हो वो बहुत बढ़िया जवाब आप दे रहे हो। सर 12वां जो क्वेश्चन है देखो, प्राकृतिक जो शब्द है उसका आपसे पूछा गया है सर विलोम शब्द आपको बताना है, प्राकृतिक का क्या बताना है आपको विलोम शब्द बताना है। तो प्राकृतिक जो शब्द है उसका विलोम शब्द देखो, यहां पर अपने बात करें साथियों कि प्राकृतिक जो है उसका विलोम शब्द अगर देखा जाए तो उस विलोम शब्द की अगर बात करी जाए आपके सामने तो प्राकृतिक का लिखा हुआ सर कृत्रिम है, बनावटी है, प्रकृति है और इनमें से कोई नहीं है। पहली बार आया सर इनमें से कोई नहीं, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, देखना एक बार आगे चलिएगा और देखिएगा। यहां पर बच्चे दे रहे हैं सर इसका जवाब, ए जवाब दे रहे, आशा ए जवाब दे रही है, और एक बार अटकी है क्लास थोड़ी सी, ठीक है कोई नहीं अब सी चल रही है। और यहां पर सुनील गोजारा जी सी जवाब दे रहे हैं, और 12 का ए तनु खींची ए, सब बच्चे ए जवाब दे रहे हैं। चलो देखिएगा, यानी कि प्राकृतिक का यह तो बहुत बार पूछा गया सर कृत्रिम होता है, क्या होता है कृत्रिम, इसका यहां पर विलोम होता है ध्यान में रखना, ठीक है बनावटी नहीं होता है कृत्रिम होता है। चले भैया आगे, अगले पेज पर सवाल नंबर आज का 14 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल है भैया सर, 13 नंबर सवाल जो है अपव्यय है, यहां पर अपव्यय, अपव्यय का आपसे विलोम पूछा गया, यानी आपको यह कहा गया है सर अपव्यय। और अपव्यय शब्द की बात करेंगे तो यहां पर अप और व्यय शब्द से बने, किससे बने भैया अप धन व्यय से बने, अप आपका क्या है उपसर्ग है, अप आपका क्या है सर उपसर्ग है, और व्यय जो है मूल शब्द, यानी कि जो ज्यादा खर्च किया जाए आवश्यकता से अधिक जो खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है अपव्यय कहा जाता है। पिछला सवाल देखूं भैया, सॉरी सर गलत हो गया, क्या हो गया ठीक है। हाँ कृत्रिम जो है वो नैसर्गिक आता है, दोनों को अलग अलग तरीके से आपको देखना होता है, सुनो ध्यान से कोई बात नहीं। आगे देखिएगा यहां पर आपके सामने जो है अप और जो व्यय है, अप आपका उपसर्ग है, तो अप व्यय का मतलब क्या होता है सर ज्यादा खर्च करना, क्या होता है इसका मतलब सर ज्यादा खर्च करना होता है, क्या करना होता है मित्रों सर ज्यादा जो खर्च है वो करना होता है, और ज्यादा जब आप खर्च करते हो तो उसको क्या कहा जाता है साथियों अपव्यय कहा जाता है, क्या कहा जाता है अपव्यय कहा जाता है। यानी अब आप उसका विलोम लिखोगे तो क्या लिखोगे साथियों कम खर्च, और कम खर्च वाला जो विकल्प है वो कौन सा है, कम खर्च वाला जो विकल्प है आपके तरह ही लोग बता रहे हैं भैया, ठीक है कम खर्च करना है आपको तपेंद्र भाई, इसका आपको कम खर्च करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना कि इसका क्या किया जाएगा कम खर्च किया जाएगा। चलिएगा अब कम खर्च की अगर बात करी जाए आपके सामने तो वो क्या होता है साथियों, कम को कहा जाता है सर मित, और यहां पर आ जाएगा शब्द व्यय, मित का मतलब क्या है साथियों कम, और दोनों को मिलाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों कम खर्च, और आपसे यही पूछा है इसका विलोम शब्द क्या होता है साथियों मित व्यय का कम खर्च होता है, और जिसे आप सॉरी अपव्यय का अर्थ विलोम पूछोगे तो मित व्यय ही बताना है, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो आंसर है सी नंबर आंसर आपका हो जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत बढ़िया सब बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके लिए सवाल नंबर 14 जो है वो देखिए,
सवाल नंबर 14 है सर, निषेध शब्द जो है उसका विलोम आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, निषेध जो है इसका अर्थ हम देख लेते हैं। यानी कि आपके सामने जो निषेध है, आपको सबसे पहले तो संधि बतानी है इसमें कौन सी संधि है। मैं विग्रह करके बता रहा हूं और आपको बतानी है सबसे पहले कि निषेध जो शब्द है उसमें कौन सी संधि का जरूर लगे। कोई बात नहीं, गलत हो गया भैया उसी गलती से आपको क्या करना है, सीखना है। जो गलत हो गया उसी गलती से आपको क्या करना है, सीखना है। जल्दी से बताओ निषेध में कौन सी संधि है और उसका निषेध का मतलब क्या होता है सर। हाँ गलत हो गया सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ। बताओ इसमें संधि बताओ, 14 में निषेध में कौन सी संधि है। मैंने आपको यहां पर क्या कराया, ठीक है, निषेध है वो आपका मना करना होता है, लेकिन इसका विलोम क्या आता है। इसका विलोम आपका देखो, एक बच्चा कह रहा है सर कोई बात नहीं, विधि होता है, विधान होता है, नियम होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में देखो ओमी जाट भी कह रहे हैं, यहां पर आपकी संधि जो लगती है साथियों, यहां पर संधि लग जाती है फिर से सर, व्यंजन संधि का रूल आपका लग जाता है। सर आप क्यों बता रहे हो संधि, भैया बहुत बार एग्जाम में संधि भी पूछ ली जाती है जीडी विराट दूसरे में, लेकिन निषेध का जो विलोम होता है ना, स्वीकृत और स्वीकार दोनों एक जैसे, इसलिए ये होंगे नहीं और उसी का निश्चित। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, इसका होता है सर विधि, ठीक है। विधि का मतलब कानून कायदा नियमा, लेकिन निषेध का मतलब क्या होता है सर, उन्हीं का मना करना होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, नहीं सॉरी नहीं कोई बात नहीं, संधि नहीं आवा तो भैया तैयारी कर लो, अवेलेबल चैनल पर आ जाओ, सबको आने लग जाएगी, ठीक है। 7 बजे कहां पर आ जाओ आप, तैयारी कर लो वाले चैनल पर आ जाना। संधि ना आए तो फिर मुझे कह देना कि संधि नहीं आई। 7 बजे @7 बजे मैं लाइव जुड़ता हूं, कहां पर, तैयारी कर लो वाले चैनल पर, जहां पर हिंदी व्याकरण। सर जी आज मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया, पहले भी मैंने क्लास लगा ली है सर, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका उत्तर क्या होता है, विधि होता है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। हाँ आगे चलते हैं साथियों और अगले पेज पर हम जान लेते हैं अगला जो सवाल है। और यानी कि आपके सामने अगले दो सवाल सीधे आ गए, सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान से बताना है और ये सवाल थोड़े से स्टैंडर्ड वाले सवाल है, यानी कि 15 नंबर सवाल है और आपका 16 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया भैया, सवाल तो दो आगे एक ही साथ, क्या आगे सवाल आपके एक ही साथ में दो आगे, 15 नंबर सवाल और 16 नंबर सवाल। इन दोनों सवालों को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि नीचे लिखे गए शब्दों का जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो, ऐसा जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। यानी कि आपको 3 विकल्प में तो ऐसा मिलेगा जो आपका है। सर जी कोई बात नहीं, नहीं ले पाते हो तो कोई बात नहीं, अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको यहां पर बताया है आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है कि सर यहां पर देखिएगा, आपको ऐसा बताना है जिसमें विलोम शब्द नहीं लगता। 3 ऐसे ऑप्शन है वहां पर देखिएगा। सर आप कहां से लाइव हो, मैं बीकानेर से लाइव हूं भाई साहब, ये सहा जो भी आप बता रहे हैं, मैं बीकानेर की पावन धरती से लाइव हूं अच्छी तरीके से। नीरज शर्मा जी बहुत आभार आपका कि आप सर अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा आपका बड़प्पन है। आप लोग जब बढ़िया पढ़ने वाले हो तो फिर टीचर का भी मन होता है कि मैं बढ़िया पढ़ाऊं। अब लोकेशन और बताऊं भैया, है लोकेशन सेंड कर दूंगा भैया, कोई बात नहीं तुझे, व्यास कॉलोनी से क्लास लाइव है, व्यास कॉलोनी बीकानेर, ठीक है, ध्यान में रखना। अब जी व्यास कॉलोनी लोकेशन बताओ, HDFC बैंक के पास में हमारा ऑफिस है, ठीक है, वहां पर हमारी क्लास जो है चल रही है। सर देखो गुण जो है उसका अवगुण, बिल्कुल राइट लिखा गया। अरे उत्तर बताओ, 15 का C और 16 का D आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी जानते हैं सर देव का दानव होता है, बहुत बढ़िया। सर देव का क्या होता है सर, दानव होता है, यानी कि उसके बाद में सम्मान। अरे सम्मान का तो क्या हो जाता है मित्रों, सम्मान है, सम्मान नहीं है भैया, सम्मान है। अरे सम्मान का तो विलोम होता है लाला, अपमान होता है, क्या होता है, अपमान होता है। तो यहां से तो गई भैंस पानी में इसकी, तो है ना, इसकी तो भैंस गई पानी में, यानी कि यहां पर भैंस इसकी जब पानी में गई है तो यह भी जान लो अज्ञा का क्या होता है साथियों, अवज्ञा होता है। अज्ञा का क्या होता है मित्रों, अवज्ञा होता है। यानी उत्तर तो आपको यहीं से मिल जाता है कि इसका आंसर तो सी होगा,
लेकिन तरल का ठोस बिल्कुल राइट है। यानी कि बहुत बढ़िया, आरोही राजपुत्र ने कहा कि सर 15 का ये सम्मान का अपमान होता है, बहुत बढ़िया। अगले में देखिएगा सर, नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम में नहीं है। फिर से आपको वही जोड़ा छांटना है, और वही जोड़ा क्या है सर, जय का पराजय। जय का क्या है, पराजय। सार्थक का क्या है, निरर्थक है। और पतन का है सर, उन्नति। और धर्म का है, पुण्य। एक होता है सर पतन का, उन्नति। अब इसका आंसर बताइए सर, पाठशाला त्रिवेणी चौराहा जयपुर में ही है। हाँ बिल्कुल शाहरुखान, त्रिवेणी जयपुर में ही, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बीकानेर से हूं भैया, ठीक है। ये क्लास है वो बीकानेर, ठीक है, से लाइव हो रही है, ठीक है। त्रिवेणी चौराहा से पाठशाला का ऑफलाइन सेटअप है, लेकिन मैं लाइव ले रहा हूं बीकानेर से। बहुत बढ़िया, शानदार स्टूडियो में आ जा भैया। थाना कुण मना करे यार, महेंद्र सोलंकी थाना कुण मना करे, आगे चलिएगा। यानी कि जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक है, और यहां पर देखिएगा पतन का उन्नति है। लेकिन लाला आपका देखिए आंसर तो क्या है साथियों, यहां पर है डी। और धर्म जो है, उस धर्म का क्या होता है साथियों, अधर्म होता है, ठीक है। और यहां पर जो पुण्य दिया गया है ना लाला, तो इसका क्या हो जाता है साथियों, इसका तो हो जाता है पाप। क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। अरे यण संधि यहां पर कहां गिर है, अच्छा यण संधि तू ला रहे पड़े हो भैया ना, मन लागे। चलो देखिए 15 और 16 के आंसर आपने बहुत ही गजब तरीके से बता दिया, अगले पेज पर चलते हैं। और ये लो जी अगला सवाल, 16 के बाद में 17 और 18 फिर से दो सवालों का आ चुका है आपके सामने जोड़ा। चलो देखिएगा यहां पर आपके बीच में सर 17 नंबर सवाल और 18 नंबर सवाल, देखते हैं सर सवाल की कंडीशन क्या कह रही है। हाँ जी बिल्कुल, धर्म का अधर्म मैंने लिखा, कल आऊं जना, आ जाए भैया कल आ जाए, ठीक है, आराम से आके रहो, कोई बात नहीं, आपकी नेट का बचत होगा, यहां पर कुर्सी लगाना, बैठना और आराम से मजे से पढ़ना। आगे चलिएगा सर, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम में न हो, और नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। दोनों ही सवाल है वो एक जैसे है, ठीक है, एक ही सवाल है वो, आप दोनों सवाल है वो आपके क्या है साथियों, एक जैसे है। और एक जैसे की अगर बात करी जाए तो देखो, आयात का यहां पर लिखा है निर्यात, दृश्य का लिखा है यहां पर अदृश्य, और प्रत्यक्ष का लिखा है यहां पर प्रोक्ष, और आमिष का लिखा है सर सामिष। यहां पर लिखा है सर आमिष और सामिष, आपको बताना है 17 का डी। और यहां पर लिखा है साथियों, बताओ उत्तर बताओ, 17 का डी बता रहा भाई एक, और दूसरा 18 का देखो सर, कदाचार का दुराचार, और यहां पर गौरव का लहावा, गौरव के ऊपर मात्रा लगा लो दो, और इसके साथ में गरिमा का लभिमा और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। बताओ उत्तर, 17 और 18 दोनों को उत्तर बता दो, यानी कोई शी बता रहा है तो कोई डी बता रहा है। चलो अब एक एक की बात करते, आशा कह रही है सर 17 का डी है, कोई कह रहा है 17 का सी है, साहा जी कह रहे हैं 17 का सी है, आशा जी कह रहे हैं 17 का सी है, ललित कौर जी कह रहे हैं 17 का सी है। चलिए भैया सब बच्चे भाई बहन सुनिएगा, हेमराज कह रहा है सर 17 का सी 18 का डी, दोनों में गड़बड़ कर दी भैया, है ना। चलिएगा भाई साहब यहां से इस सवाल को हम देख लेते हैं सर, आयात जो बाहर से आया, निर्यात यहां से गया, बिल्कुल राइट। दृश्य जो दिखाई देता है और अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, तो यानी कि दोनों तरीकों से, अगर दृश्य का विलोम अगर सर्वे भी आ जाए तो यह भी मान्य है, ध्यान में रखना। यानी प्रत्यक्ष जो मेरे आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है, और जो आंखों के सामने नहीं है वो क्या है सर, परोक्ष है। जो आंखों के सामने नहीं है वो क्या है सर, परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता भैया, ठीक है। आमिष और सामिष दोनों एक ही बात है, क्या होता है सर, आमिष और सामिष एक ही बात होता है। आमिष जो मांस खाता है और सामिष जो मांस खाता है उसे ही कहा जाता है। सर इनका विलोम क्या होगा फिर, इनके विलोम की अगर बात करेंगे लाला, तो इनका विलोम होता है साथियों निरामिष होता है। क्या होता है, निरामिष होता है। जो मांस नहीं खाता वो लाला निरामिष होता है, और यहां पर सामिस और आमिस तो दोनों एक ही बात होती है, तो इसका आंसर तो यहां पर डी रहेगा, ठीक है। राम किशोर जी आपका तो गलत है भैया, प्रोक्स प्रत्यक्ष जो होता है अप्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन प्रोक्स इसका विलोम राइट होता है, ध्यान में रखना भैया, क्या होता है ध्यान में रखना। हाँ भैया कॉपी पेस्ट किसी को नहीं करना, ध्यान में रखना, ठीक है। संख्या कम है तो भी भैया जाबता हो जाएगा। अब देखो गौरव का तो लाघव होता है, बिल्कुल, गौरव जो बड़ा, लाघव जो छोटा, गरिमा बड़ा, लगीमा छोटा, बिल्कुल ठीक ठीक। अनभिज्ञ अभिज्ञ जानकार होता है, तो अनभिज्ञ अनजान होता है, तो ध्यान में रखना। तो इसके साथ में अपने यहां पर बात करते हैं कुल मिलाकर सदाचार, सदाचार का क्या हो जाता है सर, दुराचार। देखो यानी कि आपका जो
दुराचार है उसका विलोम होता है साथियों सदाचार, और सदाचार का विलोम क्या हो जाता है साथियों दुराचार हो जाता है। अगर यहां पर इनकी बात करें तो ये दोनों इनके क्या है विलोम है, तो आराम से समझिएगा। बहुत बढ़िया, सही सही हो तो बहुत बढ़िया भैया। देखो एसएससी जीडी में इसी स्तर के प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान में रखना बस, क्योंकि मैं जब सीएटी के लिए करवाऊंगा ना तो प्रश्नों का लेवल जो होगा ना बहुत खतरनाक वाला होगा, देख लेना लगभग बच्चे गलत करेंगे। लेकिन यहां पर हम सीएटी की बात नहीं करें, हम यहां पर बात करें सर किसके बारे में, एसएससी जीडी के लिए बारे में बात करें। और जीडी जो है क्योंकि अब ट्रेंड जीडी का चल रहा है, तो भाई साहब मैं उस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं चाहे क्वेश्चन कैसे भी हो। अगला देखिएगा साथियों, फिर से एक बड़ा सवाल आपके बीच में आया और 19, 17, 16, 17, 17, 18 हो चुके हैं क्या बताओ। हाँ ये सवाल नंबर है अभी आपका 19, कौन सा सवाल है आपका, ये 19 नंबर सवाल है आपका हो जाता है। तो देखिएगा 19 नंबर सवाल की अगर बात करी जाए, अरे भाई रोज की मेरी क्लास होती है लाला, है ना, ध्यान में रखना सर। इनमें लिखे गए विलोम शब्द एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं, विलोम नहीं होती है। मेरी 9वीं क्लास है जीडी वाले पर, वहां पर मेरी 24 क्लासेज है हो चुकी है। यहां पर लिखा है सर निध्य, निध्य का स्तुत्य लिखा हुआ है, निषिद्ध का विहित लिखा हुआ है, निर्मल का अमल लिखा हुआ है, इति का अथ लिखा हुआ है, बताओ क्या हो जाता है। यहां पर देखिएगा निध्य है, निध्य का स्तुत्य लिखा हुआ है, और इस बार तो गए भैया 19 का जवाब बता रहा, निर्मल का अमल लिखा हुआ है, और यहां पर देखिएगा, और यहां पर देखिएगा इति का अथ लिखा हुआ है। 17 का, 19 का बताओ, 19 का बताओ मेरे भाइयों, बताओ भैया डी जवाब आ गया 19 का। 18 का ये जवाब, 18 को छोड़ दो अब, 19 का जवाब बताओ। जी सर हाँ 33 नंबर जो सॉरी 19 नंबर जो है सवाल, 19 का ए जवाब आ रहा है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, संजू अनिल जी कह रहे हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत आभार भैया। ठीक है इससे भी बढ़िया अगर पढ़ना है तो तैयारी कर लो, वाले 7 बजे वाली क्लास देखना, बहुत आनंद आएगा। राधे 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 गोविंद की नगरी से प्रणाम सर जी, नीरज शर्मा जी बहुत बहुत आपका आभार, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। राधा नगरी की गोविंद से आप जुड़ रहे हो, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका निंद्य और स्तुत्य, निंद्य शब्द नहीं यहाँ पर निंद्य है, ठीक है ध्यान में रखना। अब देखो निर्मल और अमल, अरे निर्मल और अमल कैसे हो जाएगा भाई, है ना तपेंद्र, निर्मल है, निर्मल का मतलब क्या होता है, कल ही मैंने बताया था, अरे निर्मल का मतलब तो होता है लाला मल रहित। लेकिन आपको क्या करना है, मल रहित नहीं करना है सर, यहां पर आपको निर्मल का क्या कर देना है सर, यहां पर देखो निर्मल का कर देना सर मलिन, क्या करना है मलिन, तो मलिन का मतलब होता है सर मल सहित होता है, मल सहित होता है, तो इसका तो होता है आपका मलिन, तो उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। उत्तर निंद्य का स्तुत्य, बिल्कुल निंदा करना और किसी की स्तुति करना, तो निंदा से निंद्य बना और स्तुति से स्तुत्य बन गया, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। 19 का सी होता है, बच्चों ने सही कहा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगले सवाल की अगर बात करी जाएगी तो 20वां जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, देखो 20वां जो क्वेश्चन है वो आपका है क्या, देखो अभी टाइम पड़ा है, मैं आपको कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द और लिखूंगा, ध्यान में रखना। यानी कि आपके सामने 20 नंबर सवाल है वो आपका ये आया कि अल्पसंख्यक का विपरीत शब्द कौन सा है, अल्पसंख्यक का विपरीत जो अर्थ देने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा हो जाता है। बिल्कुल भारत योगी आपका सही है, तो बहुत बढ़िया चलिएगा। यानी का आपके सामने देखिएगा अल्पसंख्यक, यानी जहां पर अल्पसंख्यक जो शब्द है इस तरीके से बना है, अल्पसंख्यक एक समुदाय के रूप में जाना जाता है शब्द सर, अतिसंख्यक है, बहुसंख्यक है, बहुत संख्यक है और महासंख्यक है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल जय श्री गुरुजी महाकाल गुरुजी आरुष कुमार जी, जय महाकाल, हर हर महादेव, भम भोले, ले भैया कर लिया ना, चलिएगा आगे चलिएगा साथियों, उत्तर बताइएगा इसका। 20 का सी बी जवाब आ रहा है, एमके जी कह रहे हैं सी जवाब, भारत सुनील ब्रो, श्रवण कह रहा जी बी, तनु कह रही है बी, और हेमराज कह रहा है बी, आशा जी बी, आरुष बी, सब बच्चे बी बी जवाब यहां पर दे रहे हैं, तो भैया उनका मान लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है साथियों, बहुसंख्यक होता है। इसका विलोम क्या होता है, अल्प का बहु होता है, क्या होता है अल्प का विलोम बहु होता है, तो इसका क्या आ जाता है साथियों, बहुसंख्यक यहां पर हो जाता है। अगला सवाल आपका आज का यहां पर क्वेश्चन तो आपका है लास्ट क्वेश्चन, तो क्या भैया लास्ट है, ठीक है यहां पर आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपको ध्यान में रखना भैया, अनुग्रह करना, इसका विलोम आपसे पूछा गया है तो आपको यहां पर ध्यान में रखना। 21वां सवाल जो है, 21वें क्वेश्चन की बात करूं, इसके बाद में मैं आपको प्राय विलोम शब्द लिखवाऊंगा, ध्यान में रखना। 20-30 विलोम शब्द आपको आज और लिखवा देंगे, कल कुछ मैंने लिखवा दिए हैं,
तो अच्छी तरीके से ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। जल्दी से बताओ अनुग्रह का विलोम शब्द आपको जल्दी से बताना है भैया। अनुग्रह का विलोम शब्द बताओ बताओ जल्दी जल्दी से। हाँ कितने बच्चे जुड़े हैं अभी? और यहां पर देखो अभी 29 बच्चे जुड़े हैं। वो बच्चे जाना नहीं कहीं, विलोम शब्द लिख के जाना भैया। आलसी बिल्कुल भी नहीं होना। जितने भी चीजें यहां पर बोर्ड पर मिलती है आप उनको हमदंगम किया करो, उनको कंठस्थ किया करो, उनको याद किया करो। जब आप याद नहीं करोगे तो भैया फिर आपका काम कैसे चलेगा ना, चलेगा सर। यहां पर उत्तर बताओ सर। डी आ रहा है, पार्वती कह रही है डी, अरुष डी कह रहा है, एमके जी डी कह रहे हैं, और यहां पर देखो ललित जी डी बता रहे हैं, मम्मी को परो भी डी बता रहे हैं, आशा डी, सुनील गोदारा डी बता रहे हैं, हेमराज जी डी बता रहे हैं, मम्मी को परो भी आ गयो भैया, तनु खींची भी ध्यान में रही हो ठीक है। ये धांसू प्लेयर आ चुका है सर जी, धुंधला दिख रहा है ना यार, साफ दिखना है मन देखो, बहुत बढ़िया दिख रही है, चिंता ना करो। यानी कि यहां पर अनुग्रह का जो विलोम होता है ना, अनुग्रह का मतलब यही होता है सर जोड़ना ठीक है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, डे आंसर विग्रह हो जाता है। देखो अनुग्रह और आग्रह तो एक ही बात है ठीक है, संग्रह शब्द नहीं होता इसका बिल्कुल, और ग्रहण भी इसका नहीं होता, यानी ये शब्द एक जैसे हैं। लेकिन यहां पर इसका जो विलोम है इन ऑप्शन के आधार पर क्या करोगे आप, विग्रह करोगे। क्या करोगे भैया, इनका विग्रह यहां पर करना है, ध्यान में रखना। तो इस तरीके से मैंने आज की कक्षा में 21 क्वेश्चन जो है वो कुल मिलाकर आपको बता दिए। अब हम कुछ विलोम शब्द की बात यहां पर कर लेते हैं। तो देखिएगा कल भी मैंने आपको कुछ विलोम शब्द लिखवाए थे, और फिर से मैं आपको आज क्या लिखवा रहा हूं साथियों, कुछ विलोम शब्द आपके लिए यहां पर लिखवा रहा हूं। कुल मिलाकर विलोम शब्द जो आपके सामने है, तो देखो सबसे पहले लिखिएगा साथियों यहां पर कर्जदार, और कर्जदार का क्या होता है मित्रों, महाजन होता है। क्या होता है मित्रों, महाजन होता है, लिख लीजिएगा ठीक है। दो नंबर पर अगर बात करेंगे कर्जदार का जो महाजन है वो हो जाता है, हाँ ब्लर हो गए ओके। अरे वंदना जी थारो नाम ले लियो है ना, वंदना प्रजापति जी की जय हो, नाम ले लियो, वंदना प्रजापति जी की जय हो ठीक है, ले लिया थारा नाम, अब ठीक है क्या वंदना, ठीक है क्या, बता बता बता, तेरा नाम लेने खातिर सामने खड़े हो गयो, वेरी वेरी नाइस क्लास एमके जी, आगे देखो। अरे अब नाम ले लियो तो रुक जा तो, अब ठीक है गीत गाऊंगे वंदना हो है ना, चलो वंदना करूं वंदना की, चलो आगे देखो। यानी कि दूसरे की बात करते हैं यहां पर देखिएगा साथियों, और कुल मिलाकर आपके सामने देखो यहां से लिखना शुरू करता हूं भैया ठीक है। उसके बाद में देखिएगा और गंठीला, इसके साथ में देखो गत का आगत ये लिख दिया, गतिमान का स्थिर लिख दीजिएगा, गतिमान का स्थिर क्या लिखिएगा, गतिमान का क्या लिखा, स्थिर लिख दिया है ना, गतिमान का क्या लिख दिया, स्थिर लिख दिया, यहां पर ध्यान में रखना। और तीसरा जो होता है उसकी बात अगर करेंगे तो आपको बता देता हूं भैया, कम खर्च का खर्चीला हो जाता है, करतल का परतल अपने लिख लिया, कठोर का कोमल लिख लीजिएगा, क्या कठोर का कोमल, यानी जो कल आ चुका है उनको आप छोड़ देना, बाय चांस दोबारा से लिख दिया जाए तो ध्यान में रखना ठीक है। चार नंबर पर अपने बात करते हैं साथियों, तो आपका हो जाता है सर करुण, करुण का हो जाता है मित्रों निष्ठुर हो जाता है, निष्ठुर जिसमें दया भाव बिल्कुल भी नहीं है, करुण का मतलब होता है दया भाव वाला व्यक्ति ठीक है। एक आता है सर कथन, कथन तो मतलब बोलना, और इसका क्या आ जाता है सर चुप्पी आ जाता है। छह नंबर पर अपने बात करते हैं तो देखिएगा गंभीर, गंभीर का वैसे चप्पल भी होता है और गंभीर का मतलब सहज भी होता है ठीक है, अगर आ जाए चप्पल तो इसका चप्पल भी होता है, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। तो सात नंबर पर आपको लिखना है साथियों, और आपको देखिएगा घटाव का जोड़ आ जाता है, घनिष्ठ का वही रंग आ जाता है, गण्य का नगण्य आ जाता है, गणतंत्र का राजतंत्र आ जाता है, गणतंत्र और गणतंत्र का क्या आ जाता है सर राजतंत्र यहां पर आ जाता है, ये ध्यान में रखना ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं सर कुछ और आपके विलोम शब्द यहां पर हो जाते हैं। इसके साथ में अगर बात करेंगे तो अगला आ जाता है सर आठ नंबर पर वीर, और वीर का क्या होता है लाला, वीर का होता है कायर, क्या होता है वीर का हो जाता है कायर, बस पढ़ते जाना बस पढ़ते जाना ठीक है सर। यूट्यूब पर तो क्या ऑफलाइन भी आपके जैसा ठीक है, बहुत दिन हो गए सर उनका नाम भी लेना, उनका नाम लेना सर, किसका नाम लूं भाई, वेरी नाइस क्लास, किंगो नाम लियो बोलो, सारा वो नाम लूंगा क्लास पूरी करना, पहला एक एक का नाम लूंगा, बस इस पेज को पूरा कर दे फिर थारा नाम ही नाम ले सो है ना, थारा गीत गा दूंगा चिंता ना करो। व्यष्टि जो है उसका क्या होता है साथियों ठीक है, व्यष्टि का क्या हो जाता है मित्रों, समष्टि हो जाता है, क्या लाला समष्टि आपका हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। और कुल मिलाकर आपके सामने देखिएगा वीरत है,
क्या है साथियों? वीरत। और वीरत का क्या हो जाता है साथियों? नीरत हो जाता है, ठीक है। और यहां पर कुल मिलाकर सर सर यूट्यूब पर तो क्या ऑफलाइन भी आपके जैसा कोई नहीं समझाता, बहुत अच्छा समझाते हो सर। अब मैं लगता है कि एसएससी जीडी में ओनली हिंदी वाला सिलेक्शन ही करूंगा। अरे हिंदी वाला सिलेक्शन करने से पार थोड़ी पड़ेगी भैया, सारों काम करना पड़ेगा ना। शिष्य का क्या आ जाता है भैया? शिष्य का आ जाता है गुरु, ठीक है। शिष्य का क्या आ जाता है? गुरु आ जाता है। और 12 नंबर पर अपने देखिएगा सभ्यता का क्या आ जाता है साथियों? बर्बरता आ जाता है। सभ्यता का साथियों बर्बरता आ जाता है, बर्बरता आ जाता है। क्या साथियों? बर्बरता आ जाता है ना, बर्बरता यहां पर आ जाता है। और इसके साथ में 13 नंबर पर आ जाएगा लाला सर्द से गर्म हो जाएगा, सर्द से गर्म यहां पर हो जाता है। और यहां पर देखिएगा भाई इसके साथ में आपके देखिएगा इसमें साइड में अपने कुछ और लिख देते हैं, और वादी का प्रतिवादी आ जाता है, ठीक है। वादी का प्रतिवादी आ जाता है सर 14 नंबर पर, वादी का प्रतिवादी आ जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका 15 नंबर पर आपका आ जाता है सर यहाँ पर वैमनस्य का जो है वह क्या आ जाता है सर? वैमनस्य का भाव जो है उसके अगर विलोम शब्द की बात करेंगे तो इसका विलोम शब्द हो जाता है साथियों सोमनस्य जो है वो आपका हो जाता है। इसके बाद में आपका 16 नंबर पर जो आपका है वो क्या हो जाता है साथियों? यहाँ पर देखिएगा श्रद्धा जो है उस श्रद्धा की अगर बात करेंगे तो आपका अश्रद्धा आ जाता है। देखो क्या आ जाएगा साथियों? श्रद्धा जो है उसका अश्रद्धा जो है वो आपका आ जाता है, आपको ध्यान में रखना। ये मैं बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए मैं लिखवा रहा हूं सर। आपका व्यय जो है उसका क्या आ जाएगा भैया? व्यय का आ जाएगा आय, ठीक है। ये खर्च करना और ये आगत आपकी हो जाती है। और इसके साथ साथ में देखो रागी जो है उसका क्या हो जाएगा लाला? विरागी हो जाएगा, ध्यान में रखना। और उसके साथ में 19 नंबर जो है विष का अमृत, विष का अमृत आपका हो जाता है। और आज का 20वां और अंतिम विलोम शब्द जो है वो यहां पर ध्यान में रखना, और यहां पर क्या हो जाता है सर? वीरान का आवाद हो जाता है। वीरान का क्या हो जाता है साथियों? आवाद हो जाता है। बताओ क्या हो जाता है साथियों? वीरान का आवाद हो जाता है। बताओ आज की क्लास भैया कैसे लगी? सर सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो की बीच बीच में धुंधला होता। हाँ ये धुंधला वाली जो है वो कल हम सही कर देंगे, है ना। बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में धुंधला होता है, लेकिन ठीक है ठीक है, उस क्वालिटी पर ना चाहिए। जब व्हाइट बोर्ड में पढ़ा करते थे, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर करके पढ़ा करते, तब भी तो हम पढ़ा करते थे ना, लेकिन अब आप रिकॉर्डिंग पर मत जाइएगा। अब बताओ क्यों क्यों नाम लेना है? बिल्कुल यहाँ पर ललित कौर जी है, और राहुल बाबा जी है, और रोहित बेरवा है, आरोही राजपूत है, भारत योगी है, ठीक है। अच्छा सर आज की ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में क्या ट्रेंडिंग में भैया? और यहां पर देखिएगा बहुत बढ़िया शानदार, देखिएगा वेरी वेरी नाइस क्लास सर जी, एमके जी बहुत आभार आपका, ठीक है। अंत में चार पंक्तियां सुनाऊं क्या आपको? बता दो कौन सी सुनाऊं, कर लेना इसको रिकॉर्ड थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर देखिएगा अंत में चार पंक्तियां सुना देते हैं, उस वाले क्लास में दूसरी सुनाई तो उसमें दूसरी सुना देते हैं कि चांद तारों को महफूज रख लेना बंद आंखों में, संदीप जी भी आ गया, कि चांद तारों को महफूज रख लेना बंद आंखों में, दूर तक रात ही रात होगी, कि चांद तारों को महफूज रख लेना बंद आंखों में, दूर तक रात ही रात होगी, और तुम भी हो मुसाफिर, के तुम भी हो मुसाफिर और मैं भी हूं मुसाफिर, और कल 7 बजे अपनी फिर से मुलाकात होगी, कल 7 बजे अपनी फिर से मुलाकात होगी। सभी में अपने बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है इस तरीके का, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया, इसको करना सही भैया, हाँ ठीक है ओके। अब आगे चलते हैं साथियों, आपके लिए पहला सवाल जो है वो आ चुका है कि इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द यहाँ पर नहीं है। ये मार्कर ठीक है यार, ठीक है। निम्नलिखित में से परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो आपके सामने यहाँ पर लिखा है दीन का हीन लिखा है, नेकी का बदी लिखा है, मेहमान का मेजबान लिखा है, सर्द का गर्म लिखा है। यानी कि आपको इन सभी विकल्प में देखने से ये लगाना है कि यहाँ पर इसका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें क्या नहीं होता। ये मार्कर तो बढ़िया बनाया है, ऐसा एक और तैयार करना, ठीक है। यहाँ पर अपने बात करेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सही नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर दीन, ठीक है, और अगला लिखा हुआ है सर इसके साथ में हीन, ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है साथियों नेकी, नेकी और पूछ पूछ, नेकी का मतलब होता है साथियों भला करना, और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या आ जाता है मित्रों?
पद ही आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है सर मेहमान, और मेहमानों का स्वागत जो करते हैं उनको क्या बोला जाता है लाला, मेजवान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेजवान बोला जाता है। यानी इसके बाद में आपके सामने क्या आया साथियों, शरद आया, और शरद का क्या बोला जाएगा साथियों, शरद का गर्म यहां से हो जाता है। यानी कि आपको पहला जो सवाल है इसका आंसर बताना है। सब बच्चे ए जवाब दे रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया। जो जो ए जवाब दे रहे हैं उनका सवाल जो है वो बहुत ही बढ़िया भाई साहब। आगे चलते हैं और यहां पर जान लेते हैं, और इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, एक नंबर है ना, ठीक है। क्या है इसका आंसर? एक नंबर आपका आंसर जो है वो यहां पर हो जाता है। बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करो भैया, देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर आंसर हो जाएगा सर, दिन का तो अमीर होता है। क्या होता है सर? दिन का अमीर आपका होता है। कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना, सवाल नंबर एक उसका आंसर क्या सर? एक नंबर। दूसरे सवाल की अगर बात करें सर, विषाद जो है सर, विषाद का यहां पर आपसे पूछा गया कि विलोम जो है वो क्या होता है। विषाद का आपसे पूछा गया है विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विषाद जो शब्द है वो कैसे बना। तो ध्यान में रखना, वी उपसर्ग है, साद आपका यहां पर मूल शब्द है। संधि की अगर बात करी जाएगी तो साथियों यहां पर जो संधि लगती है आपकी वो कौन सी लगती है सर? व्यंजन संधि का रूल यहां पर लगता है। अब हम व्यंजन संधि की यहां पर बात करें तो यहां पर देखिएगा साथियों, कुल मिलाकर व्यंजन संधि के रूल से हम इसको पढ़ते हैं तो विषाद का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो विषाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथियों दुख। क्या होता है विषाद का मतलब? दुख। मृदु का मतलब है मीठा। यहां पर वरदान, वरदान का तो अभिशाप होता है। आह्लाद का मतलब होता है साथियों खुशी। क्या होता है मित्रों? आह्लाद का मतलब होता है खुशी। और स्तुति, स्तुति का मतलब यहां पर इसका जो विलोम होता है वो होता है निंदा करना। तो यहां पर देखिएगा इसका जो विग्रह आपका विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आह्लाद आ जाएगा। यानी कि विषाद जो है उसका मतलब है दुख, तो हमें सुख वाला जो शब्द देखना है तो इसका मतलब होता है सर आह्लाद। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाता है आपका आह्लाद, जो शब्द है वो यहां पर आ जाता है, जिसमें आपका क्या होता है ले जो आपका है जो है वो सही होता है, आपका आधा होता है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। सब बच्चे ऐसा अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलो देखिएगा अगला सवाल जो आपके सामने है वो कौन सा है, एक बार रुको, दो नंबर सवाल आया। अब हम बात करते हैं साथियों दूसरा सवाल, और अब यह रहा सर आपका तीसरा जो सवाल है। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि यहां पर कौन सा विकल्प जो है वो विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। यानी कि फिर से ऐसा कौन सा विलोम आपका, ऐसा कौन सा युग्म है जो क्या नहीं करता सर, विलोम शब्दों का जो युग्म है वो आपका नहीं बन पाता है, उसके बारे में अगर अपने बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है। लिखा क्या गया है सर? समुख का विमुख लिखा गया है, गरिमा का लघिमा लिखा गया है, और संयोग का सुयोग लिखा गया है, और राग का विराग यहां पर लिखा गया। तो यहां पर समझना ऐसा कौन सा जोड़ा है जो निम्नलिखित में से आपका सुमेलित नहीं है, अर्थात वो असुमेलित आपका हो जाता है। ललित बता रही है जी तीसरे का सी, तपेंद्र तीसरे का सी, संजू अली अनिल जी ये भी तीसरे का सी बता रहे हैं, और ड्रीम एसआई तीसरे का सी बता रहे हैं, और इसी तरीके से हम आगे के शब्दों की बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर इन सबके बारे में जान लेते हैं। तपेंद्र भी यहाँ पर तीसरे का सी, संयोग का वियोग होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एम के जी चौथे का सी, अरे चौथा तो आया ही नहीं भाई अभी, और आगे नीचे कौन है भैया जल्दी से, कृष्णा जो है वो भी बता रहे हैं सी। चलो देखे, अब साथियों समुख आ जाए या फिर आपका दूसरा शब्द मैंने बताया था आपका क्या आ जाए, उन्मुख आ जाए, दोनों की अगर बात करी जाएगी तो क्या आता है इसका विलोम? इसका विलोम जो होता है साथियों वो होता है विमुख होता है। क्या होता है साथियों? विमुख आपका होता है। इसके साथ साथ में यहां पर देखो गरिमा, गरिमा का मतलब सर छोटे से आता है, सॉरी बड़े से आता है, और इसका विलोम जो होता है वो होता है सर लघिमा। लघु में इमा जोड़ा, लघु में आपने क्या जोड़ा? इमा जोड़ा, तो लघिमा बन गया। और गुरु में आपने क्या जोड़ा सर? इमा जोड़ा, तो गुरुमा गरिमा बन गया सर। यहां पर देखिएगा दोनों राइट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां पर लिखा है सर
सुयोग का यहां पर लिखा सर सुयोग, तो ये इसका गलत है। अगर हम बात करते हैं संयोग की, अगर बात करें तो इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है साथियों, वियोग आपका होता है। क्या होता है सर? वियोग आपका होता है। कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना, यानी कि राग का क्या होता है? विराग होता है। या तो आप लिखोगे राग और राग का क्या हो जाएगा सर? विराग। अगर आपके सामने आ जाए सर राग के साथ में या तो अनुराग आ जाए तो भी उसका क्या हो जाएगा सर? विराग ही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है सर? सी आंसर हो जाता है। सेशन को शेयर करिएगा। मनु जाट जी कह रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। सब सब साथी यहां पर कह रहे हैं सर सी जवाब है, वो आपका राइट यहां पर हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर चार की बात करता हूं तो ये लीजिएगा। हाँ रूपानी लिया भैया, ठीक है। यहां पर अपने बात करते हैं कुल मिलाकर सवाल नंबर जो चार है उसके बारे में बात करें। सवाल नंबर चौथा जो है आरू, ठीक है। अरे आरू, चौथे सवाल की अगर बात करेंगे तो चौथा जो सवाल है वो आपका कौन सा हो जाता है सर? बिल्कुल राम राम, राग का अनुराग भी होता है। अरे राग का अनुराग नहीं होता, सुनो ध्यान से, मैंने ये कहा बच्चे कि राग का अनुराग नहीं होता, मैंने कहा राग और अनुराग उनका मतलब एक ही है, उन दोनों का विलोम जो है वो विराग होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलो देखो यहां पर पूछा निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम शब्द आपको बताना है। सबसे पहले तो आपसे ये देखना है सर, पाश्चात्य जो शब्द है उसका मतलब होता है सर पश्चात, इसमें आपने यह जोड़ा तो आपका शब्द क्या बन गया भैया? पाश्चात्य बन गया, क्योंकि आपने आदिवर्दी का रूल लगाया और शब्द बना दिया आपने क्या? पाश्चात्य। यह तो इसमें क्या है लाला? यह तो यहां पर हमारा है प्रत्यय। क्या है साथियों? यह तो हमारा है प्रत्यय। यह तो हमारा क्या है साथियों? यह तो है हमारा प्रत्यय। अब हमें क्या करना है? इसका विलोम शब्द देखना है। बताओ भाई चौथे का क्या रहा? राग। बिल्कुल हाँ, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आगे अपने बात करते हैं। कुल मिलाकर सी जवाब आ रहा है भैया, सी जवाब आ रहा है। MKG4 का सी जवाब दे रहे हैं और तपेंद्र 4 का सी जवाब दे रहे हैं और यहां पर देखिएगा सी जवाब आ रहा है। चलो सुनो ध्यान से सर, पौर्वात्य का यहां पर जो पश्चात्य है उसका क्या होता है साथियों? पौर्वात्य होता है, पौर्वात्य होता है, आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है इसका विलोम होता है सर पौर्वात्य। पांचवा सवाल देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल आया आपके सामने सर, चप्पल का विलोम क्या होता है? चप्पल का जो विलोम है, चप्पल नहीं है पैरों में डालने वाली, ये चप्पल, और इस चप्पल का मतलब क्या होता है साथियों? देखिएगा, चप्पल है ये, चप्पल। चप्पल का मतलब क्या होता है भाई साहब? चप्पल जो है उसका मतलब होता है लाला चतुर लोग होता है। चप्पल, आपको चप्पल नहीं बनना है। अगर हम भाषा में बात करते हैं सर, चप्पल है ये, चप्पल है ये, क्या है? चप्पल है ये, या चप्पल, इसका अर्थ होता है चतुर। अब आपसे ये पूछा गया कि इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? इसके विलोम की अगर बात करी जाएगी चप्पल, अब यहां पर देखिएगा विग्रह दिया गया सर, चप्पल का अचल, चल का होता है आपका अचल होता है। क्या होता है सर? चल का आपका क्या होता है सर? अचल होता है। यानी कि स्थावर जो है उसका क्या होता है साथियों? स्थावर जो होता है उसका होता है साथियों जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। यानी कि चप्पल के बात करें, बताओ आंसर, बताओ ए जवाब कैसे दे रहे हो भाई, है ना? पांच का भी। और अंकित यादव जी वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग भैया, आराम से पढ़िएगा अंकित यादव जी। आगे चलिएगा, बताओ उत्तर, बताओ ए जवाब क्यों दे रहे हो? यहां पर देखिएगा साथियों, कुल मिलाकर आपके सामने आया तो ये जो तरीका अपने को ध्यान में रखना है सर, चप्पल जो है उसका मतलब चंचल होता है, तो इसका क्या आ जाएगा साथियों? गंभीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? गंभीर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लाला? इसका जो विलोम होगा वो गंभीर हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? इसका जो विलोम हो जाएगा वो गंभीर हो जाता है। हाँ, बी जवाब जो भी बच्चे दे रहे हैं उनका क्या है? बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा भैया? गंभीर यहाँ पर हो जाता है। अगले सवाल की बात करेंगे और कुल मिलाकर आपके सामने देखिएगा ज्योति जो है उसका विलोम क्या है। यानी कि अगला ये सवाल की संख्या क्या है भाई? पांचवा और छठा सवाल। छठे सवाल की अगर बात करेंगे तो ज्योति का विलोम क्या होता है सर? हम बात करें कि गुरुजी क्या ये ज्योति कोई लड़की है क्या? ना भाई, लड़की तो बाद में बना दी जाती है, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि ज्योति जो है उसका विलोम क्या होता है। अब हम ज्योति के विलोम की अगर बात करें,
ज्योति के अगर विलोम की अगर बात करें तो यहां पर इसका विलोम क्या होता है साथियों, देखिएगा। तो ज्योति का जो विलोम होता है, ज्योति का मतलब होता है साथियों प्रकाश, ठीक है, प्रकाश होता है, प्रकाश को उजाला कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उजाले को ही आलोक कहा जाता है, ये भी आपको क्या रखना है मित्रों, याद रखना है। ये सारी चीजें भाई एक ही है, ठीक है, आपका प्रकाश है, उजाला है और आपका क्या है, आलोक है। यानी आपसे विग्रह में दिया गया सर आपका अंधकार है, अंधेरा है और कालिमा है। सर यहां पर देखो हम ज्योति का क्या करते हैं सर, प्रकाश, तो इसके साथ में इसका क्या आ जाता है मित्रों, तम आ जाता है। और तम का जो अर्थ होता है सर वो होता है अंधेरा, क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरे को कहा जाता है सर अंधकार कहा जाता है, और अंधकार को ही क्या कहा जाता है साथियों, तिमिर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो एक ही क्वेश्चन में आपको ज्योति जो है उसके आपको दिखाई दे रहे हैं सर, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पांच का भी बताया जा रहा है भैया, अंधकार और अंधेरा तो एक ही है ना, जल्दी से आंसर बताओ ढंग से। कोई डी बता रहा है, तो भाई मनु जाट ने डी बताया, छह का ललित कौर ने भी छह बताया, और यहां पर देखिएगा साथियों कौन डी बता रहा भैया, आगे चलिएगा। हाँ कृष्णा योगी जो है वो भी क्या बता रहे हैं साथियों, डी बता रहे हैं। हाँ योगी जी भी डी बता रहे हैं, चलो भैया आगे देखिए। यहाँ पर आगे की अपने बात करते हैं साथियों, बिल्कुल यहाँ पर इसका ज्योति का जो हो जाएगा वो साथियों क्या हो जाएगा, विलोम आपका ज्योति का विलोम हो जाता है सर, तम हो जाता है, तम हो जाता है। अगर यहाँ पर प्रकाश आता तो इसका आप क्या कर देते सर, अंधकार कर देते, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखिएगा, आपको आराम से देखना है कि सर तेजस्वी जो शब्द है सातवां जो क्वेश्चन है उसका विलोम आपको बताना है कि सर तेजस्वी का विलोम क्या होता है, तेजस्वी का जो विलोम है वो क्या होता है मित्रों, तो आपको बताना है साथियों कि तेजस्वी का जो विलोम है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। कुरूप है, कुशल है, निस्तेज है और मेधावी है। तेजस्वी का विलोम जो होता है वो क्या होता है आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल अंधेरा लिखा, लेकिन इसका जब आपका ये जो शब्द था ज्योति, ज्योति का तम होता है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन का जो आपके ऑप्शन जो होते हैं ना, उस ऑप्शन के आधार पर उनका उत्तर देना होता है, आपको ध्यान में रखना। तेजस्वी का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा साथियों, सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आपका हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट यहां पर हो जाता है। तो तेजस्वी का क्या हो जाएगा लाला, तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है। यानी कि कुल मिलाकर आपका आठवां जो सवाल है उस सवाल की अगर बात करेंगे तो यहां पर लिखा है सर दाता, क्या लिखा है मित्रों, दाता, और दाता का अर्थ होता है साथियों देने वाला, दाता का मतलब क्या होता है सर, देने वाला। यहां पर लिखा है सर उद्दार है, प्रज्ञा है, शूम है और आपका त्राता है, बताओ आठवें का आंसर बता दो जल्दी से, आठवें का आंसर बता दो जल्दी से, आठ नंबर जो है उसका आंसर दाता का विलोम क्या होता है। हाँ बिल्कुल दाता का जो विलोम होता है भाई वो बताइएगा सभी के सभी लोग जो है कि दाता का जो विलोम क्या होता है, त्राता आपको नहीं करना है, आठ नंबर का आंसर बताइएगा। दाता का मतलब देने वाला, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर दाता के स्थान पर अगर आपका क्या आ जाए सर, दाता का मतलब होता है सर देने वाला, और उसका जो विलोम शब्द है जल्दी बताओ, दाता का मतलब देने वाला या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो सर, दाता का यहां पर क्या बोल सकते हो सर, दाता का जो अर्थ है वो उद्दार होता है, इसका अर्थ बता रहा हूं, विलोम नहीं बता रहा हूं, एजवा मत दे देना आप। अरे दाता का आठवें का सी बता रहा है शूम, हाँ बिल्कुल, ये आठवें का सी कौन बता रहा है, एमके जी आठवें का ए बता रहे हैं, संतोष सारण जी हैं वो आपको आठवें का क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। क्यों भाई आठवें का ए क्यों बता रहे हो आप, आठवें का ए क्यों बता रहा है, ठीक है आपको ध्यान में रखना है भैया। अरे आठवें का हाँ याचक, बिल्कुल याचक जो होता है इसका बिल्कुल ओरिजिनल अर्थ होता है, याचक जो होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल अर्थ होता है, आपको ध्यान में रखना। तो आठवें का याचक ऑप्शन में नहीं है, देखो याचक आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर, उदार तो इसका हो नहीं सकता, उदार का विलोम होता है साथियों कृपण, क्या होता है कृपण होता है, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि वाला होता है, ये नहीं इसका हो सकता, और यहां पर त्राता जो है वो क्या होता है, त्राता बताओ, आठवें का सी बताओ, आठवें का सी, सी यानी सूम जो होता है उसका अर्थ क्या होता है,
सोम का जो अर्थ होता है वो आपको ध्यान में रखना, सोम का मतलब ही याचक होता है, ध्यान में रखना। तो इसका क्या आ जाएगा साथियों, सोम जो है वो अर्थ आ जाता है, यहां पर ध्यान में रखना। देखो अगर ऑप्शन में याचक हो तो आपको याद रखना है, अगर आपका कृपण लिखा हुआ हो तो भी आपको याद रखना है। आप सोम, याचक और कृपण, इनमें से अगर कोई शब्द हो तो आप इसका दे सकते हो, लेकिन आपको उत्तर बताना है इसका सी नंबर आंसर। अगला देखो, अगला आपके सामने नौवां नंबर जो सवाल है सर, जंगम जो है उसका यहां पर विलोम आपको बताना है साथियों, जंगम जो है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा कि जंगम, डरावना, स्थावर, स्थिर और स्थूल। स्थूल का तो क्या होता है साथियों, सूक्ष्म होता है। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दो भैया, एक ऑप्शन तो क्या है, त्राता जो है हाँ बचाने वाला होता है, दाता देने वाला, तो त्राता बचाने वाला होता है, तो आपको यहां पर ध्यान में रख लेना है। बताओ जल्दी से जंगम का यहां पर अर्थ बताइएगा, बिल्कुल आंसर बताओ। बी आंसर आ रहा है बी, लेकिन आपको यहां पर इसका अर्थ बताना है। जंगम जो अर्थ है इसका मतलब है जो चल सके उसे क्या कहा जाता है, जो आपका चल सके उसे क्या कहा जाता है साथियों, जो उस चल सके उसे कहा जाता है साथियों जंगम। लेकिन इसका विलोम जो होता है साथियों स्थावर होता है, स्थावर का मतलब हो जाता है साथियों कि जो स्थिर हो, क्या होता जो स्थिर हो, यानी कि इसका विलोम तो है आपका स्थावर, आपको ध्यान में रखना। स्थिर के विलोम शब्द की बात करते हैं तो साथियों क्या आ जाता है आपका, अस्थिर आपका आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इस शब्द का जो आपको है विलोम है वो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है। अगला देखिएगा साथियों, कुल मिलाकर आपके सामने सवाल नंबर दसवां जो है, उस दसवें सवाल की बात करें तो वियोग, अरे गुरु जी वियोग तो विरही कहा जाता है, वियोग को क्या कहा जाता है साथियों, वियोग को विरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वियोग को विरह। वियोग का अर्थ होता है सर अलग होना, वियोग का अर्थ क्या होता है सर, अलग होना होता है। इसके साथ में होता है सर यहां पर बिछुड़ना, अलग होना या बिछुड़ना, यानी जब प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से अलग हो जाता है, जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग हो जाता है तो उसको कहा जाता है सर या तो विरह कहा जाता है सर, या कहा जाता है सर वियोग कहा जाता है, या तो उसे विरह कहा जाता है या फिर उसे वियोग कहा जाता है। तो ये दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि अब इनका अर्थ है ये दोनों तो इनके क्या है साथियों, अर्थ है, लेकिन ये विरह भी इसका क्या है साथियों, अर्थ है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है सर, संयोग बच जाता है। वियोग का मतलब होता है संयोग, राम राम भैया मनीष मीणा जी, राम राम। और यहां पर इसका जो विलोम होता है साथियों वो क्या होता है, संयोग होता है, यानी जब एक प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन होता है तो उसको संयोग कहा जाता है, ये आपको भैया ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, 10 का सी आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है साथियों, आपका 10 का सी आंसर आ रहा है। चलिएगा अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये सवाल 11 नंबर है सर, तामसिक, और तामसिक का विलोम सबसे आसान विलोम है। आपको अशिष्ट लिखा है, आत्मिक लिखा है, स्वादिष्ट लिखा है और आपके सामने सात्विक लिखा है। जल्दी से बताइएगा कि तामसिक जो है उसका विलोम यहां पर क्या होता है। बिल्कुल खुशी बोस जी, भैया राम राम, स्वाई माधोपुर से आप जुड़ रहे हो तो बहुत आपका स्वागत है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रख लेना। क्या रख लेना, बिल्कुल ध्यान में रख लेना भैया। ग्यारह का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, 11 का डी। एक बार सेशन को करो भैया शेयर, है ना, सेशन को शेयर करो भैया एक बार। चलो देखो सर, तामसिक जो है आपका, यानी कि आपके सामने पता है तामसिक जो है वो किससे संबंधित होता है मित्रों, सर तमोगुण से संबंधित होता है। क्या होता है साथियों, तमोगुण से क्या होता है संबंधित होता है, आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसका विलोम तो बहुत बार पूछा गया, सात्विक जो है वो क्या होता है साथियों, सत्व गुण से संबंधित होता है। क्या होता है सर, सत्व गुण से संपन्न होता है। यानी अगर दोनों शब्दों की बात करी जाए तो दोनों जो शब्द है वो किसका काम करते हैं सर, दोनों जो शब्द है भाषा में एक विशेषण का काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। दोनों के दोनों जो शब्द है वो विशेषण है।
स्वादिष्ट है उसका क्या हो जाता है साथियों, अस्वादिष्ट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना ठीक है। अगर स्वादिष्ट की बात करते हैं तो साथियों स्वाद जो शब्द है उसमें क्या जोड़ा गया है सर, इष्ट जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, इष्ट जोड़ा गया। आत्मिक जो है उसमें आत्मा मूल शब्द है और यहां पर क्या जोड़ा गया साथियों, इक जोड़ा गया है। और शिष्ट की बात करूंगा तो यहां पर शिष्ट का अशिष्ट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाता है, तामसिक का सात्विक जो है आपका आंसर हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं साथियों और कुल मिलाकर आपको मैं बता देता हूं अगला जो सवाल है आपके सामने, कौन सा सवाल, अगला सवाल 12 नंबर सवाल देखिएगा और ये रहा आपका 12वां सवाल, कायर का विलोम क्या होता है। आपके सामने लिखा गया कि कायर जो है उसका विलोम आपका क्या होता है, तो कायर के विलोम की अगर बात करेंगे तो लाला यहां पर आपको ध्यान में रखना, कायर का जो विलोम होता है उस कायर की अगर अपने बात करेंगे तो आपको यहां पर याद रखना भैया, कायर का विलोम क्या होता है जल्दी से बताओ। हाँ, तमोगुण और रजोगुण, अरे यहां पर रजोगुण तो आया नहीं, तमोगुण और सत्व गुण जो है वो आपके आए हैं भाई, दोनों के दोनों सुन लो। बारहवें का आंसर बताया जा रहा है, कायर जो डरता है और वीर जो साहसी है, बस भीरु और साहसी। अगर आप इसको ये कह सकते हो ना सर, भीरु, भीरु का मतलब होता है सर कायर, तो इसका विलोम क्या आ जाएगा सर, इसका जो विलोम आ जाएगा वो आ जाएगा साहसी, क्या आ जाएगा मित्रों, साहसी आ जाएगा। और साहसी जो है वो आपका क्या होता है साथियों, साहसी जो है वो आपका क्या होता है, कुल मिलाकर आपको यहां पर ध्यान में रखना, साहसी जो है वो आपका क्या आता है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, साहसी जो है वो वीर ही होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, इसका आंसर आप जान चुके हैं। अनिवार्य जो शब्द है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करी जाएगी तो आपका ध्यान में रखना कि इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, अपरिहार्य, अनावश्यक, आवश्यक या ऐच्छिक। अपरिहार्य, अनावश्यक, ऐच्छिक आपका यहां पर हो जाता है, सूर वीर है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा साथियों, आपके ध्यान में रखना है अनिवार्य, और अनिवार्य का अगर विलोम देखा जाए, अनिवार्य को मैंने कहा था आपके सामने क्या आ जाता है सर, ऐच्छिक आ जाता है, क्या आ जाता है साथियों, ऐच्छिक, जो इच्छा हो वो ऐच्छिक। अनिवार्य जो है इसका विलोम आ जाता है साथियों, ऐच्छिक आ जाता है। आवश्यक का होता है अनावश्यक हो जाता है, अपरिहार का परिहार्य हो जाता है, क्या हो जाता है मित्रों, परिहार्य जो आपका हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। तो कुल मिलाकर आपके सामने यहां पर दो क्वेश्चन है वो आपके आ जाते हैं सर। यहां पर 14 नंबर पर अपने बात करेंगे, अवतल जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपको बताना है, अवतल जो है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं साथियों, अवतल का विलोम क्या होता है सर, यहां पर जल्दी से बताओ। हाँ, 14 नंबर का बताओ, अवतल जो है उसका विलोम शब्द आपको देखना है साथियों। कुल मिलाकर यहां पर बात करेंगे तो अवतल जो है उसका विलोम होता है लाला, अवतल का विलोम होता है साथियों उत्तल होता है, उत्तल, ठीक है। तो एक नंबर आंसर इसका भी हो जाता है। 15वां सवाल देखिएगा इस तरीके से आपका, यानी कि यहां पर कौन सा विलोम युग्म है वो आपसे ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो है आपका वो क्या है सर, सही है, वो आपसे पूछा गया है, तो बताओ आंसर, बताओ भैया आंसर बताओ। अब आगे चलिएगा साथियों और यहां पर आपको ध्यान में रखना है सर, एक है अंतरंग और एक है बहिरंग, एक है प्राचीन तो एक है पुरातन, एक है राग और एक अनुराग, एक है विजय और एक है सुविजय। यानी कि आपसे ये पूछा गया निम्नलिखित में इसका क्या होता है। अब देखो यहां पर विजय लिखा हुआ है और यहां पर इसका मतलब क्या होता है साथियों, जो जानकार है ना, जो भाषा विशेषज्ञ है, इसका विलोम क्या होता है सर, एजय होता है। यानी कि ये तो क्या होगा भैया, गलत हो गया, दोनों एक ही अर्थ देने वाले शब्द है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही अर्थ देने वाले शब्द है। 15 का ए बताया जा रहा है आपके द्वारा, चलो चेक करते हैं। यानी राग और अनुराग तो भैया एक जैसे, मैंने अभी बताया इन दोनों का ही विलोम क्या होता है साथियों, विराग होता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया। प्राचीन और पुरातन दोनों भैया पुराने के अर्थ है, ये भी गया सर। तो अंतरंग का क्या आ जाता है, वही रंग आ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 नंबर सवाल का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर 15 नंबर सवाल था क्या, ये 15 का यहां पर क्या हो जाता है साथियों, एक नंबर ऑप्शन हो जाता है। 16 की अगर बात करेंगे, अहल्या और पतिव्रता नारी थी, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित पद का विलोम आपको बताना है। यानी कि पतिव्रता जो है
पतिव्रता जो है यानी अपने पति के लिए व्रत करने वाली जो नारी है उसे पतिव्रता नारी कहा जाता है, और जो अपने पति के लिए नाम व्रत करे पति को छोड़ दे वो कौन सी नारी? उड़ा। अरे उड़ा तो नव नवेली दुल्हन होती है। क्या होती है? नव नवेली दुल्हन, ठीक है। नव नवेली दुल्हन जो है वो तो होती है उड़ा, ठीक है। बंध्या क्या है सर? नहीं है। विधवा, जिसका पति मर चुका है वो तो है विधवा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर जो आएगा वो क्या हो जाता है सर? एसएससी सीपीओ का कोर्स मिलेगा क्या सर? देखो भैया सीपीओ का कोर्स मुझे अभी पता नहीं है, मैं पूछ के आप एसएससी पाठशाला पर आप बात करके आप बता सकते हो। कुल्टा जो है आपके लिए इसका क्या आ जाता है सर? कुल्टा जो है वो इसका अर्थ यहाँ पर विलोम शब्द है वो आपका आ जाता है। यानी कि 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर पर अपने बात करेंगे कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है, कौन सा सही विलोम वर्ग आपका नहीं है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है सही विलोम कौन सा नहीं है, आपको बताना है, जल्दी से बताओ इसका सही कौन सा नहीं है। नैसर्गिक का कृत्रिम लिखा है, विजय का अनविजय लिखा है, वाचाल का मूक लिखा है, विधा का सदवा लिखा है, बताओ उत्तर जल्दी से। अरे उड़ा दुल्हन को ही तो कहा जाता है, नवोडा नवलवेली दुल्हन हो जाएगा, कोई बात नहीं भैया श्याम बिश्नोई, ये तो भाव विभोर कोने होना है ना, इतना भाव विभोर नहीं होना भ्राता सरी, ध्यान में रखना भैया, है ना। मंजू जाट भी बता रही है, मन्नू जाट सॉरी ललित कौर जी भी बता रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आज प्लस टू याद आ जाती है सुनो। अरे यार यहाँ पर तो पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है, पढ़ाना जो है संजू अनिल जी, आप अगर पढ़ना चाहते हो ना वास्तव मेरे से, अब मैं आपको बढ़िया बताता हूँ, एक शानदार तरीका बताता हूँ कि आज आप डेली मेरे से 7 बजे की अगर क्लास की बात करें 7 PM और हमारा जो ऑफिशियल जो यूट्यूब तैयारी कर लो वाला जो YouTube है और इसको मैं हिंदी व्याकरण को जिया करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ हिंदी व्याकरण में पढ़ाया करता हूँ, हिंदी व्याकरण मेरा क्या है ठीक है, एक जीने का आधार है, उस जीने के आधार को मैं ये बताया करता हूँ कि हिंदी व्याकरण को मैं वहां पर सिखाने के उद्देश्य से मैं डेली के डेली जुड़ता हूँ। जो बच्चे यहाँ पर देखो जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर लो वाले चैनल को जिन्होंने विजिट नहीं किया ना, शाम की 7 बजे मेरी क्लास होती है, 7 से 8, 8 से 9, इस तरीके से 8 से 9, तो इस पर आ जाता हूं। लेकिन वहां पर सर कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर देखो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा सर। क्या आ जाता है यहां पर अगर अपने बात करें अविजय शब्द की बात करेंगे तो इसका क्या आ जाता है लाला? अनविजय जो शब्द है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। क्या आ जाता है मित्रों? अनविजय जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे तो डी होना चाहिए, कैसे? सदवा का विधवा नहीं हो, 7 PM वाली क्लास तो सर हम कंटिन्यू लेते हैं डेली। हाँ कृष्णा योगी जी कह रहे बहुत बढ़िया भाई लेते हो, तो मेरे पास तो पूरा नोट्स है आपकी क्लास के, बहुत बढ़िया भारती योगी जी। हाँ जो कंटिन्यू लेते हैं ना उनके लिए कह रहा हूँ, जो नहीं ले रहे ना उनको बता रहा हूँ कि आप वहां पर जुड़ा करें हिंदी व्याकरण को अगर आप सीखने को देशे। सदवा का विधवा आपसे पूछा सही नहीं है, सदवा और विधवा दोनों है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है भैया, ध्यान में रखना। सर मेरे पास पूरे नोट्स है भारतीय की, बहुत बड़े, मुझे पता है आप लगातार मुझसे पढ़ रहे हो। यानी कि आपके सामने 18 नंबर सवाल की बात करी जाए, एस आपका वीडियो के एग्जाम में ये पूछा गया था कि निषिद्ध जो है उसका क्या होता है विलोम। अगर इसकी बात करें निधन सिद्ध, जो सिद्ध नहीं है वो निषिद्ध है, तो इसका जो विलोम है उसको आपको बताना है। यहां पर क्या लिखा गया सर? आदृत, आदृत का होता है साथियों अनादृत। क्या हो जाता है? अनादृत हो जाता है। कठोर, तरल का क्या होता है साथियों? कठोर होता है। सिद्ध और निषिद्ध, सिद्ध आपका क्या होता है साथियों? इसमें आपका विहित है वो आंसर यहां पर आ जाएगा, यानी कि 18 का सी आंसर यहां पर हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने 18 नंबर, अब कल कौन सा टॉपिक करना है मुझे बताओ, कल कौन सा टॉपिक करना है वो बताओ। यानी मुक्त की बात करेंगे तो मुक्त का सही विलोम आपका क्या हो जाता है? मुक्त का मतलब होता है भैया आजाद परिंदा। क्या होता है? मुक्त का मतलब होता है लाला आजाद परिंदा। तो यहां पर आजाद परिंदा जब होता है तो इसका यहां पर विलोम शब्द क्या हो जाता है? यानी आजाद है तो आपको यह विलोम देखना है सर, बंधन वाला विलोम देखना है। किसका विलोम देखना है? कि बंधन वाला विलोम देखना है, और बंधन वाला विलोम देखोगे तो इसका क्या हो जाता है साथियों? यहां पर हो जाता है सर बद्ध हो जाता है। तो इसका विलोम क्या आएगा सर? बद्ध यहां पर आ जाता है। ये बात आपको इन हवाओं को इन घटाओं को बताए रखना, ठीक है। तो 19 का बी आंसर, सॉरी 19 थोड़ी है, 18 नंबर नहीं है क्या ये? लास्ट वाला सवाल 18 था, अच्छा ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? और 20वां क्वेश्चन सर, यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, व्यष्टि का सही विलोम क्या हो जाता है? व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब क्या होता है साथियों? व्यष्टि का विलोम आपका क्या हो जाता है?
सर अक्षी तो आंख होती है, दृष्टि भी आपकी नजर होती है, वृष्टि भैया मतलब जो वृष्टि वगैरह होती है बारिश को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वृष्टि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया भैया लाला, है ना। तो अच्छी तरीके से देखो सर, व्यष्टि का विलोम होता है साथियों क्या? सर व्यष्टि का विलोम होता है साथियों समष्टि होता है, और यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा लाला, समष्टि हो जाता है। ठीक है, कल का टॉपिक कौन सा करवाना है मुझे बताओ, कौन से टॉपिक के कल पर्सन लेके आऊं, कुछ थ्योरी भी लेकर आता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल आपके प्राय लोगों मुहावरों के प्रश्न लेकर आता हूँ, है ना सर। आय जो है, आय की अगर बात करेंगे तो आय जो है 121 नंबर सवाल है, 22 है भैया सर, 21 नंबर सवाल है, उसकी बात करेंगे। आय का विलोम, अरे आय का मतलब आना और जाय का मतलब जाना, तो जाना जो है मतलब खर्च जो आपका होता है उसके लिए हम विलोम शब्द की बात करेंगे। तो यानी 21 का आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर, व्यय हो जाता है। क्या हो जाता है सर? व्यय आपका हो जाता है। यहाँ पर आपका 22वां जो आंसर है, देखो सर किस विलोम में परस्पर विलोम है, यानी कि किस में सही विलोम का प्रयोग किया गया, आपको ध्यान में रखना। एक का अनेक, जय का विजय, पूत का सपूत, मान का सम्मान लिखा गया। बताओ भैया, बताओ, बिल्कुल 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 बताओ। हाँ बताइएगा इसका आंसर, 22 का आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। 21 का डी आ रहा है सर, आज आपने हिसाब से आप हम से ज्यादा जानते, चलो कोई बात नहीं, हम मैं मेरे हिसाब से दे दूंगा, कोई बात नहीं। हम जीडी के लेवल की बात करें, एक का अनेक बिल्कुल राइट है साथियों। सर जय का तो क्या होता है? पराजय होता है। जय का क्या होता है? पराजय होता है। सपूत और इनका पूत हो, इसका कपूत होता है। मान हो या फिर सम्मान हो, इसका क्या होता है? आपका अपमान होता है। तो यानी कि आपको ध्यान में रखना कि एक का क्या हो जाता है, यहाँ पर अनेक हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और ये आज का अंतिम सवाल आपके सामने आ रहा है, आज का अंतिम सवाल। और इस अंतिम सवाल में क्या है क्वेश्चन, देखिएगा यहां पर आपको ध्यान में रखना, अंतिम सवाल क्या है? तो आपका है उस सवाल की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर देखिएगा साथियों, अंतिम सवाल जो आपका है वो ये है कि सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये सवाल नंबर जो है वो आपका है 23वां सवाल। कौन सा सवाल है साथियों? 23वां सवाल है। अनिष्ट का लिखा गया सर, ये देखो, उर्वर का अनुर लिखा है, जय का पराजय, निर्जर का अजर, बिल्कुल ठीक लिखा है सर। अभिष्ट, अनिष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट होता है। इष्ट का क्या होता है? अनिष्ट होता है। वेरी वेरी नाइस क्लास सर। अरे यार नाइस, आज तो मन ही नहीं था बढ़िया पढ़ाने का, आज तो बस पढ़ा दिया जो आया, क्लास लेट हो गई थी, मन उब गया था। यानी कि आपके सामने क्या होता है? अनिष्ट जो है इसका अभिष्ट नहीं होता। अगर हम इष्ट की बात करेंगे तो इसमें हम अन उपसर्ग लगाकर क्या बना देंगे लाला? अनिष्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? अनिष्ट बना देंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है। तो इस तरीके से यहां पर इसका विलोम क्या हो जाता है सर? आपका एक नंबर विलोम हो जाता है। चलिएगा, आज के हमारे ये जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। कुल मिलाकर मैं 100 के लगभग जो प्रश्न है, 70-80 प्रश्न वो करवा चुका हूं, और साथ ही साथ में मैं आपको 150 के लगभग आपको पर्यायवाचक विलोम शब्द करवा चुका हूं। फिर भी हम जब एक बार इनको पढ़ लेंगे तो और बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे। मॉडल पेपर मैं लेके आया करूंगा 20-20 प्रश्नों का, जो पेपर पैटर्न पर होते हैं उनके आधार पर भी हम करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से इस कक्षा का एंजॉय किया होगा। क्या किया होगा साथियों? एंजॉय किया होगा। आज बाकी लोग पता नहीं कहां चले गए। ठीक है, कल का हमारा जो सेशन रहेगा लाला वो रहेगा मुहावरे। कल हम मुहावरों के ऊपर बात करेंगे। कल पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मुहावरों की, और उसके बाद में मैं आपको क्या करवाऊंगा, कुछ मुहावरे लिखाए जाएंगे आपको, उसके बाद में हम प्रश्न करने वाले हैं। तो भैया आज हम इस कक्षा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। हमेशा ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि हमें भाई गुरुजी ने एक दिन पढ़ाया था। ठीक है, अंत में चार पंक्तियां, वही जो कल मैंने सुनाई थी कि चांद तारों को महफूज रख लेना बंद आंखों में। क्या करा रू? कि चांद तारों को महफूज रख लेना बंद आंखों में, दूर तक रात ही रात होगी, कि दूर तक ही रात रात होगी, तुम भी हो मुसाफिर। अरे जानता कौन था एसएससी पाठशाला पर कौन पढ़ाने वाला है, कि तुम भी हो मुसाफिर और मैं भी हूं मुसाफिर। मैं भी नहीं जानने वाला था कि मुझसे कौन कौन पढ़ने वाला है, कि तुम भी थे मुसाफिर और मैं भी था मुसाफिर। अब एसएससी पाठशाला के चैनल पर रोज मुलाकात होगी।
एसएससी पाठशाला वाले चैनल पर रोज मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आभार, शुक्रिया, थैंक यू।